ठीक है सो लोक एज फार एज नाउ यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज सो कुछ एक चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए दैट थ्रू आउट दिस प्रोसेस है ना जो अब आप तैयारी करोगे वट विल बी द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ठीक है और जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं यू जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स विच आई एम गिविंग यू पीपल ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या ना आए ठीक है नाउ द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल सर्विस वट द थिंग्स यू पीपल है ना जो आप तैयारी शुरू कर रहे हैं इट इज ऑल टूगेदर ऐसा तो नहीं है दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग इन वन और टू डेज एंड यू आर गोइंग टू क्रैकेट ऐसा तो नहीं होगा इट विल टेक टाइम है ना इट विल टेक टाइम एंड द प्रोसेस जर्नली इज दैट अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक अराउंड ट्वेल्व इलेवन टू ट्वेल्व मंथ अप्रोक्सीमेटली ठीक है बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट दैट बाई विच यू आर एबल टू परसू द स्टडीज ठीक है कोई शॉर्टकट नहीं है कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अच्छा जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा बिकॉज uh, चीजों को समझना उसको बार बार समझना और उसको कोरिलेट करना रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सो को रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है तो को रिलेशन वाला काम हम लोगों को करना सबसे ज्यादा जरूरी है अब आप लोग जैसे अब तैयारी शुरू करने वाले हैं ठीक है सो एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द भारतीय न्याय संहिता टुडे ठीक है तो बी एन एस में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वी कैन से को रिलेटेड विद द इंडियन पेनल कोड ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है डेफिनेटली द चेंजेस आर देयर बट द मटीरियल चेंजेस आर ओनली वी कैन से ट्वेंटी परसेंट बाकी सारा एरिया जो है वो वैसा ही है जैसा पहले था बट सेक्शंस के नंबरिंग में आपको चेंजेस मिलेंगे ठीक है सो एंड बिकॉज द न्यू लॉज आर बींग इन्फोर्स नाउ ठीक है तो कल से जैसे ये इन्फोर्समेंट की हो चुकी है सो वी हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली बिकॉज वट एवर द दिस पर्टिकुलर डेट ठीक है अब आज के बाद या कल के बाद इवन जो भी नोटिफिकेशन आएंगी उसमें नए कानून ही आने वाले हैं ठीक है बट इट डज नॉट मीन दैट कि आप पुराना पढ़ना छोड़ दें ऐसा नहीं है कि अगर आपने भारतीय न्याय संहिता ही पढ़ना है तो इंडियन पेनल कोड नहीं पढ़ा जाएगा यू हैव टू इट लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे जैसे हम आईपीसी पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे कि अच्छा बी में ये है अब रिवर्स में चलेंगे लाइक वी विल बी टीचिंग भारतीय न्याय संहिता एंड आई विल बी टेलिंग यू पीपल दैट ओके व्हाट इज द थिंग इन द इंडियन पेनल कोड ठीक है तो ये जो चेंजेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन एक तो समझना है आपको नंबर टू देखो विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी यू पीपल हैव टू टारगेट ऑन द डिफरेंट स्टेट्स खाली एक स्टेट के ऊपर फोकस नहीं करना है एंड द वट अदर स्टेट यू पीपल कैन टारगेट लाइक जैसे आप एच पी के में बैठे हैं तो एच पी जी एस इज द इज द प्राइम स्टेट विच वी विच वी यूज टू सी है ना क्योंकि आपको पता है कि अच्छा आपकी होम स्टेट है तो होम स्टेट में डेफिनेटली आप लोग कोशिश करते ही हैं बट इन योर होम स्टेट देर इज वन ड्रॉबैक दैट द वैकेंसीज आर नॉट टू द लार्जर एक्सटेंट ठीक है वैकेंसीज जो है वो लिमिटेड रहती हैं टू द लार्जर एक्सटेंट अगर हम कहें तो पंद्रह बीस वैकेंसी अगर हिमाचल में आ जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर है क्यों रिनी इट इज़ अ वेरी बिग नंबर इन हिमाचल ठीक है लेकिन हिमाचल में अगर आप देखोगे तो एक वैकेंसी भी आई है बहुत बार दो वैकेंसीज भी आई हैं पांच भी आई हैं सात भी आई हैं और कभी कभी पंद्रह बीस भी आती हैं ठीक है थीके? लेकिन वो वन सीन अवाइल वाली बात है ठीक है सो एज यू पीपल आर लुकिंग अच्छा हिमाचल में वैकेंसीज जो है वो लिमिटेड सो डेफिनेटली द विल बी वेरी स्टिफ ठीक है सो so so, जितने भी अदर स्टेट्स के बच्चे होंगे वो सब आएंगे बिकॉज इट इज अ प्राइम स्टेट अगर आप दिल्ली के भी बच्चे को पूछोगे ना कि अच्छा आपको प्रेफरेंस में कौन कौन सी स्टेट्स है तो ही विल बी कीपिंग कि अच्छा हिमाचल मुझे जाना है ठीक है रीजन बींग एक तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मैनेजेबल uh, है ठीक है जी आप नहीं कह सकते बिकॉज हिमाचल हरियाणा पंजाब डेली इनका जो एग्जाम रहता है वो जनरली अप्लाइड पोर्शन पे ज्यादा रहेगा ठीक है अप्लाइड जब हम बात करते हैं तो देखो दो चीजें होती है आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स ठीक है वन आर द द्लाइड पेपर्स एंड वन आर द डायरेक्ट पेपर्स ये दो चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है डायरेक्ट पेपर क्या होता है कि अच्छा आपको सीधा सीधा सवाल पूछा आपको आंसर लिखना है एंड यू आर गुड टू गो लेकिन खाली डायरेक्ट uh, सवाल करके आप हर स्टेट में नहीं बैठ पाओगे कारण उसका क्या है जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट सवाल तो जैसे आप सपोज राजस्थान जाते हैं सो राजस्थान में अभी तक का जो पैटर्न रहा है मतलब टिल 2021 वो डायरेक्ट सवालों का रहा है सिमिलरली इफ यू गो इन छत्तीसगढ़ इफ यू गो इन झारखंड इफ यू गो इन मध्य प्रदेश और इन अदर स्टेट्स तो वहां पर आपको थोड़े डायरेक्ट सवाल देखने को मिलते हैं डायरेक्ट सवाल जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं कैन so सी अगर C.P.C पढ़ा अपने कॉलेज में तो आपने पढ़ा होगा होता सो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स जैसे ऐसे सवाल आपको आते हैं तो ये डायरेक्ट सवाल है डायरेक्ट सवाल में वी कैन से मार्क्स फिच करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर टू हंड्रेड कैंडिडेट्स आर सिटिंग इन द मेन्स एग्जाम तो सभी लोगों को आता है तो वहां पर आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है बट एज फार एज द अप्लाइड क्वेश्चन आर कंसर्ण ये चलते हैं रीजनिंग बेस्ड ठीक है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मीन्स दैट दे विल बी आस्किंग यू सर्टन क्वेश्चन यू हैव टू अपलाई यूर माइंड यू हैव टू सी वट इज द डिसीजन टू बी गिवन ठीक है कोई कमेंट आपसे पूछ रहे हैं कोई क्रिटिक आपसे पूछ रहे हैं कोई ओपिनियन आपका पूछ रहे हैं तो आपको वो सारी चीजें लिखनी है तो यहां पर जब आप अप्लाइड क्वेश्चन की बात करते हो तो आपका विजडम अगर ओपन नहीं है तो मुश्किल रहेगा ठीक है तो बंद दिमाग से फिर आप काम नहीं कर पाओगे आपका दिमाग खुले तरीके से सोचने में सक्षम होना चाहिए एंड द सेम थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा जब आप पेपर्स पढ़ते हो तो मैं चार स्टेट्स की बात अगर यहां पे करूं दैट एच पी द सेकेंड वन इज द डीजीएस दैट इज द डेली जुडिशल सर्विसेज इसके साथ साथ हरियाणा अलोंग विद दैट उत्तराखंड ठीक है इन चार स्टेट्स में उत्तराखंड हरियाणा पंजाब में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पंजाब के लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं बिकॉज पंजाबी इज मैंडेटरी अगर कोई व्यक्ति पंजाबी पढ़ के सप्लीमेंट्री पेपर दे सकता है सो यू आर गुड टू गो ठीक है फिर आप जा सकते हो बट इन चार स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा पेपर जो है वो लगभग फिफ्टी परसेंट डायरेक्ट आ रहा है फिफ्टी परसेंट अप्लाइड आ रहा है ठीक है सो फिफ्टी परसेंट डायरेक्ट का मतलब ऐसा है कि वो आंसर सभी बच्चे कर लेंगे बट जो फिफ्टी परसेंट अप्लाइड है वो चलेगा रीजनिंग के ऊपर तो रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तभी आप उसका आंसर सही से कर पाओगे देखो अब जब हम रीजनिंग की बात करते हैं सो लेट मी टेल यू यू दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट बी आस्किंग और मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात बता रहा हूं आपको ठीक है तो आपको जनरली केस लॉ बेसिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है लाइक दे विल बी गिविंग वन प्रपोजिशन दे मे बी गिविंग अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर जजमेंट और आपको जजमेंट का नाम भी बता देंगे और आपको बताएंगे कि अच्छा आप बताओ कि केस में क्या हेल्ड हुआ अब इसकी हंड्रेड परसेंट गारंटी आप नहीं ले सकते कि सारे जो केसेज आएंगे वो आपने पढ़े हों कोई इसकी गारंटी नहीं है बिकॉज दे माइड बी आस्किंग यू एनी रिसेंट जजमेंट विच यू पीपल हैव नॉट फॉलोड ऐसा हो सकता है मान लीजिए जिस दिन पेपर ड्राफ्ट किया जा रहा था उसके दो दिन पहले कोई जजमेंट आया जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहा एग्जामिनर की नजर पड़ गई एग्जामिनर ने उस पर से सवाल बना दिया सो so, अगर ऐसे सवाल आते हैं लाइक दे आर आस्किंग यू एनी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन और किसी रिसेंट केस पे सवाल आ गया है यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सो इफ यू आर क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट इफ यू आर क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट तो आपके लिए वो सवाल मुश्किल नहीं होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा कॉन्सेप्ट नहीं बदलता कभी भी बात समझ रहे हैं कि वंस समथिंग इज सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और समथिंग वी नो कि अच्छा ये लॉ है तो वो कभी भी बदलेगा नहीं जनरली और अगर वो नहीं बदलेगा तो जो भी जजमेंट आएंगी वो उसी कंटेक्सट में आती रहेंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है जजमेंट नहीं भी पता आप आंसर कर सकते हो दैट इज हाउ टू राइट द आंसर आपका स्किल क्या है उस चीज को समझने के लिए सेकेंड थिंग इज आपको जैसे मैंने कहा कि कुछ एक डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो आप अगर खाली क्लासेस करके भी अगर करना जाओगे आप कर लोगे कोई इसमें परेशानी नहीं है ठीक है आप किताब पढ़ के भी चले जाओगे डायरेक्ट सवाल वहां से भी कर लोगे आप कहीं से मटेरियल पढ़ के चले जाओगे डायरेक्ट वहां से भी जाओगे डायरेक्ट में कोई समस्या नहीं है ठीक है इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू माइट राइट द आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस, इसमें तो हम ये नहीं समझते कि आप नहीं लिख पाते हो लिख पाते हैं सवाल समस्या आती है यहाँ पे तीसरा आता है दैट इज़ प्रपोजिशन बेस्ड नहीं प्रेपोजिशन बेस्ड थिंग्स मीन्स लाइक दे विल बी गिविंग यू अर पर्टिकुलर सिचुएशन अब आपको एक सिचुएशन दे दिया सिचुएशन में आपको पूछा जा रहा है कि अच्छा आप इसको डिसाइड करो आप इसमें अपना ओपिनियन दे दो यू मस्ट हैव टू क्रिटिसाइज समथिंग आपको प्लेट uh, ड्राफ्ट करना है आपको रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है आपको जजमेंट राइटिंग करनी है आपको ऑर्डर फ्रेम करना है चार्ज फ्रेम करना है ये सब प्रपोजिशंस भी इसमें आ जाएगा ठीक है देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी मेड फ्रॉम दिस ठीक है चार्ज फ्रेमिंग आ सकती है एप्लीकेशन लिखने को आ सकता है जैसे इस बार हिमाचल में एचपीजीएस में क्रिमिनल लॉ में बेल एप्लीकेशन लिखने को आया ठीक है so सो ये ऐसा तो है नहीं कि हमारे ट्रेंड में था हमारे पैटर्न में था नहीं था It was इट वॉज अ न्यू थिंग विच वॉज इंट्रोड्यूस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इट या आपने कभी कोर्ट का प्रोसेस देखा है तो आपको पता होगा कि अच्छा बेल एप्लीकेशन कैसे बनती है सो यू कैन राइट इट ठीक है अब ये जितनी भी चीजें होती है ये जितनी भी चीजें ये सब मार्क्स फेचिंग है Because अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है you are able to get marks. अब होता क्या है ना देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने कहा कि अच्छा किसी केस के बेस पे दे आर आस्किंग यूर पर्टिक्युलर क्वेश्चन अब वो केस डिसाइड होगा उसमें कुछ लॉ सेटल किया गया होगा एंड यू हैव नॉट हर्ड दैट आपने ना पढ़ा ना कहीं से सुना ना कहीं से देखा कुछ नहीं पता आपको लेकिन प्रपोजिशन आपके सामने एंड दे आर आस्किंग यू टू डिसाइड इट अब दो चीजें हैं देखो जिस भी कैंडिडेट ने वो सवाल पढ़ा होगा या वो केस पढ़ा होगा उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है सो ही माइट बी राइटिंग इन दैट पर्टिकुलर लाइन उसी तरीके से उसी ले से लिख देगा कि अच्छा इस चीज में ये पोजिशन है और ये लॉ है और ये सेटल करते हैं हम ठीक है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने वो ना पढ़ा हो और आपकी ओपिनियन डिफर कर रही है ठीक है सो यू मे डिफर इन ओपिनियन तो ओपिनियन बदल सकती है अब ऐसा तो है नहीं कि सपोज अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो फाइनल ही रहेगा इट मे ओवरटर्न है ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई टू जजेस बेंच ने डिसीजन दिया है वो भी ओवरटर्न हो जाता है तो आपने एज इट इज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया होता है वैसा ही लिखना है ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चे आते हैं कि सर हमने ये सवाल था और हमें केस नहीं पता था तो हमने ये लिख दिया सो इट नॉट मीन कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे नंबर आपको मिल सकते हैं प्रोवाइडेड आपने जो अपना ओपिनियन रखा है जो भी आपने अपनी रीजनिंग सेटल वहां पे करके बताई है उसमें वजूद है अगर उसमें वजूद है तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मार्क्स और शायद से अच्छे नंबर मिल जाए बिकॉज आपको आपको किस चीज के ऊपर असेस किया जाएगा They are going to assess you that how much you understand the intricacies of law, कितना आप कानून को गहराई से समझते हैं एक तो ये दूसरा कि आप अलग अलग लॉज के बीच में जो इंटरलिंकिंग्स हैं उस इंटरलिंकिंग को आप कैसे रिलेट करते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इंटरलिंकिंग में काम आपको लगता है कि मेरा स्ट्रांग नहीं है तो आपके आंसर्स में वो बात नहीं आएगी ठीक है तो इंटरलिंकिंग्स और एक चीज और होती है intra -linkage. Intra -linkage. अब ये और लॉ की ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रा लिंकेज होता है कि एक ही कानून में दो प्रावधान कैसे एक साथ जुड़ रहे हैं इंटरलिंकिंग दो अलग अलग लॉ कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाते हैं एंड लॉ की क्लैरिटी आपको कितनी है सो so, अगर इस लेजे से आप जो है चीजों को समझना शुरू करोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव द टॉपर्स आर डूइंग ठीक है अब जितने भी बच्चे टॉपर्स बनते हैं लाइक like रिसेंटली जैसे टॉपर्स बने अगर आप इन लोगों की मेरे पास आंसर शीट्स पड़ी हैं तो अगर आप इनके आंसर शीट्स देखोगे यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये बच्चा टीपीए के सवाल को कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेट कर देता है टीपीए के सवाल को रजिस्ट्रेशन से भी जोड़ रहा है उसको स्टैंप एक्ट के साथ भी जोड़ रहा है जब आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली द एग्जामिनर इज गोइंग टू रीड यूर पेपर अगर आप नहीं लिखोगे आपको एक सवाल पूछा गया सपोज हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है कि को होता है लेकिन हाउ आर कनेक्टिंग सेक्शन थर्टीन विद सेक्शन फाइव हाउ यू आर कनेक्टिंग सेक्शन थर्टीन विद सेक्शन ट्वेंटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब जो वो करेगा उसको डेफिनेटली एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा और यहां पे बात सिर्फ एक और आधे नंबर की है बात सिर्फ एक और आधे नंबर की है, कहने का मेरा मतलब क्या है लाइक दे विल बी आस्किंग यू सपोज जैसे हम हिमाचल की बात करें सो इन सिविल लॉ वन दे विल बी पेपर दो 200 मार्क्स का पेपर है इन दैट 20 क्वेश्चन बीस क्वेश्चन आपको पूछे ऑन एन एवरेज आठ नंबर और बारह नंबर की वेटेज एग्जाम में क्वेश्चन की रहेगी ठीक है सर एट एंड ट्वेल्व मार्क्स अब आठ से बारह नंबर के सवाल में सबसे पहला तो आपको यह होता है कि अच्छा लिखना कितना है दूसरा होता है कि लिखना क्या है फिर तीसरा होता है फॉर्मेट क्या होगा ठीक है तो इन तीन चीजों पे हम लोग काम करेंगे ठीक है नंबर वन इज हाउ टू राइट व्हाट टू राइट एंड टू व्हाट एक्सटेंड यू हैव टू राइट क्योंकि आप जब बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे इन द लास्ट नेक्स्ट कमिंग ट्वेल्व मंथ्स यू विल बी रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे लगभग हिमाचल के इक्कीस इक्कीस बाईस सब्जेक्ट हो जाएंगे में नहीं है कोई और सब्जेक्ट ना ऐड हो ठीक है और इसी के साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी एग्जाम्स चलते रहेंगे तो वो सारी चीजों को एक डिजाइन में रखना ठीक है वो आपका काम रहेगा ठीक है ठीके? कि कैसे कैसे हम जो है आंसर राइटिंग्स करेंगे क्या क्या सारी चीजें रहेंगे एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लासेस अब आपका जो एग्जाम है वो बेसिकली एज यू ऑल पीपल नो दैट इट इज बीइंग डिवाइडेड इन टू स्टेजेस है ना दैट इज द प्रीलिम्स एंड द मेंस लुक इफ यू आर नॉट है बेनिफिट नहीं है तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है यू हैव टू अचीव एटलीस्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस डेढ़ सौ क्वेश्चन आते हैं एक सौ बीस एक सौ पच्चीस के ऊपर आपको रखना ही पड़ेगा ठीक है इफ यू आर हैविंग एनी सच बेनिफिट तो पांच दस नंबर ऊपर नीचे चलता है क्योंकि कट ऑफ में डेफिनेट वेरिएशन होंगी ठीक है अनरिजर्व में अलग कट ऑफ रहेगा रिजर्व में अलग रहेगा तो वो एक रहेगा लेकिन इफ यू आर फ्रॉम द अनरिजर्व्ड क्लास सो दिस शुड बी द लेवल ऑफ यूर प्रिपरेशन तो वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी प्लस के आसपास हमें रखना पड़ता है देखो ऐसा कोई सेटल रूल नहीं है कि कट ऑफ कितना जाता है या इस बार कितना जाएगा ऐसा कोई रूल नहीं होता द पॉइंट इज की डिपेंड्स अपॉन दैट वट काइंड ऑफ एग्जाम इज देयर हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर सिटिंग What was द लेवल ऑफ द पेपर उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद पता लगता है कि अच्छा कट ऑफ कितना जाने वाला है। लेकिन एक जनरल इजम्शन अगर हम लें क्योंकि कॉम्पिटिशन स्टिफ है तो आपका जो जो मार्किंग है वो लगभग एटी एटी परसेंट से ऊपर होना चाहिए तो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ठीक है यू इट इज नॉट सपोज टू बी दैट यू आर टेकिंग क्लासेज एंड देर आफ्टर आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज यू आर साइनिंग ऑफ यू आर देर इन द हाउस ऐसा नहीं चलेगा ठीक है घर पे नहीं बैठ के बात बनेगी हाथ पे हाथ रख के बात नहीं बनेगी तैयारी करनी पड़ेगी एंड तैयारी आप लोगों ने करनी है ठीक है करवानी हमने दैट इज आर जॉब ठीक है सेकेंड थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द देंस एग्जाम आप देखो जैसे एक एक करके आप लोग सब्जेक्ट करना शुरू करोगे एज फ्रॉम टूडे गोइंग टू स्टार्ट विद भारतीय न्याय संहिता सो एज वी आर हैविंग 350 प्लस सेक्शंस, तीन सौ अट्ठावन सेक्शन हमारे पास है वरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट ठीक है अब ऐसा होता है कि अच्छा सर क्या हमें सेक्शन को रट्टा मारना है कोई रट्टा नहीं मारना ठीक है इफ दिस मच ऑफ सेक्शन आर देयर इन वन सब्जेक्ट तो इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ोगे फाइव हंड्रेड प्लस सेक्शन आर देयर एंड अलग अलग लॉज में पता नहीं सौ सवा सौ डेढ़ सौ दो सौ सेक्शन आपको हर सब्जेक्ट में रहेंगे यू पीपल आर नॉट कंप्यूटर और यू कैन नॉट मग अप द थिंग्स ठीक है उसको क्रैम करने की अगर कोशिश करोगे तो बात नहीं बनेगी ठीक है तरीका ये है दैट वी आर डिस्कसिंग एनी सेक्शन एनी प्रोविजन एनी सबसेक्शन एनी प्रोवाइजो एनी एक्सेप्शन कुछ भी जब डिस्कशन हो रहा है प्रोविजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऑपरेटिव एरिया में क्या लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर प्रोविजन का ऑपरेटिव एरिया आप नहीं पढ़ रहे हो आप खाली मार्जिनल हेडिंग्स पढ़ रहे हो और उसी के बेस पे काम चलाओगे तो नहीं बनेगा बिकॉज आज के समय में क्योंकि एग्जाम स्टफ हो रहे हैं दे दे आर आर आस्किंग यू व्हाट इज द ऑपरेटिव एरिया आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं तो आपको बेरेक्ट की टर्मिनोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि अच्छा यहां पे मे लगा था शेल लगा था ठीक है सो so उस तरीके से तैयारी होगी ठीक है दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग इसके साथ साथ चलो मैं कुछ एक चीजें आप लोग आज नए हैं मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा दैट वाई यू पीपल वॉन्ट टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर वट इज अ रीजन यस जो ऑनलाइन बैठे मैं उनसे भी पूछूंगा बट वट इज अ रीजन दैट वाई यू पीपल वॉन्ट टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर गुड मॉर्निंग ये yes, देखो दो कारण दो कारण होते हैं नंबर वन इज कि आपके अंदर से आवाज आई कि अच्छा मुझे ये करना है मुझे लिटिगेशन में नहीं जाना है या मुझे कोई और जॉब नहीं करनी आई वॉन्ट टू परसू दिस पर्टिकुलर फील देन इट इज गुड एक कैटेगरी होती है दैट ओके यू आर देयर डराइव बिकॉज ऑफ सम प्रेशर कि आप पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम्हें तो तैयारी करनी है तो आप किसके बोलने पे आए अपने अंदर से आत्मा ने आवाज है तब आए हो या किसी के बोलने पे आए यस yes. अपने मन से आए वेरी गुड अमरिंदर ठीक एंड यू सरोज ठीक है देखो सो ड्रीम्स आर बेसिकली एक होता है कि अच्छा हम ये करके दिखाएंगे ठीक है और दूसरा होता है कि हमें कहा जा रहा है कि करके दिखाओ तो जब कहा जा रहा है करके दिखाओ और अंदर से वो आग नहीं है तो नहीं हो पाएगा ठीक है सो यू हैव टू बी ऑफ दैट नेचर कि अच्छा हमें करना है दैट किलर इंस्टेंट इन इज शुड बी देयर इन साइड ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट क्योंकि एक देखो ना आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है पेशेंस की यू पीपल आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंस तो हमें क्या होता है कि अच्छा जल्दी रिजल्ट चाहिए जल्दी रिजल्ट चाहिए वो जल्दी रिजल्ट के चक्कर में आप लोग जो है पूरी चीज को समझ ही नहीं पाते हो कि पूरा प्रोसेस है क्या ठीक है तो इतनी जल्दी कुछ नहीं है जस्ट कंप्लीट यूअर होल प्रिपरेशन देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर्स तब आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या चल रहा है कि अगर आप पहले दिन पढ़ो या पांच दिन पढ़ लिये और आपने आप कहा कि अच्छा मेरा पेपर देना है और पेपर में आप नहीं कर पाए अच्छा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू माइट नॉट बी एबल टू अचीव दैट रीजन इज कि आपकी तैयारी अभी उस लेवल की है ही नहीं ठीक है लेकिन अगर एक दो तीन महीने आपको हो चुके हैं और जो सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से कर लिए हैं देन यू आर गिविंग द पेपर्स एंड देन यू विल सी अच्छा मेरे में क्या इंप्रूवमेंट है गलती हो रही है कहा हो रही है बिकॉज अपनी गलतियां समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू आर लैकिंग आपका ड्रॉबैक कहाँ पे आ रहा है तब तक आप उस पर इंप्रोवाइजेशन नहीं कर पाओगे ठीक है जैसे इस बार बच्चों के रिजल्ट आए मेनी ऑफ द कैंडिडेट दो उन्होंने कहा कि सर अच्छा हमारा हिंदी में नंबर नहीं आया अच्छा तो मैंने कहा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि इस बार अगर आपके हिंदी में नंबर नहीं आए हैं सपोज यू आर गेटिंग थर्टी मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड सो इट इज नथिंग के आप में बहुत ज्यादा ऐसी कमी है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं हिंदी स्टेट में बैठे हैं उनके भी सौ में से तीस नंबर आ रहे हैं अट्ठाइस नंबर आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती अब एग्जामिनर नंबर ना दे वो अलग अलग विषय है और ये हर बार नहीं होता इट वंस इन अ ठीक है वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है वाइल्ड अच्छा पांच सात साल में एग्जामिनर ऐसी चीज करेगा ठीक है कारण उसका ये होता है कि अच्छा ज्यादा से देखो ये जो प्रोसेस है ना ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है आप ये मत समझो कि अच्छा जुडिशियर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो ये सिलेक्शन हो जाएगा ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है कि अगर ढाई हजार बच्चा तैयारी कर रहा है या दस हजार बच्चा तैयारी कर रहा है 2000 बच्चा पेपर देने आया इनमें से कितनों को एलिमिनेट करना है तो हमने एलिमिनेट कर दिए दो अगर मान लीजिए दो सीटें हैं तो हमने 40 बच्चे मेंस में बिठाने हैं अब अगर ढाई हजार बच्चों ने मेंस लिखा होगा और हमने सिर्फ 40 बच्चे मेंस में बिठाने हैं तो बाकी सब एलिमिनेट हो गए अब उन चालीस में से दो सेलेक्ट होने हैं तो थर्टी कैंडिडेट्स विल भी एलिमिनेटेड तो यह एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है ठीक है और आपको कोशिश ये करनी होती है कि आपका एलिमिनेशन ना हो जाए सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बाद की बात है एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि एलिमिनेट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कट ऑफ जो है वो 150 में से 125 गया सपोज और आप अगर 125 से ऊपर नहीं है तो आप एलिमिनेट हो सिमिलरली अगर मेंस के एग्जाम्स में हमारे हिमाचल का जो पैटर्न है किस दिन विस्तार से चर्चा करेंगे हिमाचल के पैटर्न के ऊपर तो दो में से कम से कम अस्सी नंबर आपके लाने जरूरी ठीक है दो में से अस्सी नंबर मिनिमम अब अगर आपके अस्सी नंबर नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आप एलिमिनेट हो जाओगे दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग ठीक है तो एलिमिनेशन के इस प्रोसेस में आपको सक्सेसफुल बनना है दैट इज योर टास्क ठीक है और इस तरीके से जो लेजा है जो तैयारी है उस तरीके से होनी चाहिए राइट right? कोई सवाल आप लोगों के जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं हर्षा हिमांशी एंड ऑल अदर न्यू कैंडिडेट्स एनी क्वेश्चन इफ यू पीपल वांट टू आस्क टू मी नो क्वेश्चंस अतुल का है कुछ सवाल अतुल माइक म्यूट कर रहे हैं ठीक है सो आई होप यू पीपल द ब्रॉडर अच्छा तैयारी करने के लिए हल्के फुल्के तरीके से बात नहीं बनेगी यू मस्ट बी प्रोएक्टिव अल्ट्रा प्रोएक्टिव 24/7 दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए ठीक है कि इस बार एग्जाम आएगा एंड वी हैव टू क्वालिफाई दैट ठीक है Just आज कितने लोग एबसेंट हैं अभी टाइम हो गया साढ़े ग्यारह चलो आ जाएंगे ठीक है अच्छा सभी लोग जितने भी अब क्लासेस में बैठेंगे फॉर एवरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट यू मस्ट बी हैविंग अ स्पेसिफिक रजिस्टर ये लूज में कैसे करोगे मैनेज कैसे करोगे हो जाएगा ठीक है फाइल मेंटेन करोगे बाद में ऐसा है ठीक है ठीक है हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक रजिस्टर मेंटेन करना है एंड रजिस्टर uh, छोटा मोटा नहीं लगेगा इट शुड बी बल्कि बिकॉज आई यूज टू डिक्टेट अ लॉट ठीक है तो डिक्टेशन रहती है तो लिखना आपको पड़ेगा ठीक है अलॉन्ग विद मोर फोकस शुड बी ऑन द केस लॉ बेस स्टडीज ठीक है तो केस लॉज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है ठीक है जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको यह समझ में आएगा दैट हाउ द जुडिशरी थिंक्स हाउ द जुडिशरी पासिस द जजमेंट वट काइंडन बी देयर एटसेट्रा 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 लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन सेन फ्रॉम द केस लॉज ठीक है तो जब केस लॉज से पढ़ना शुरू करते हो तो आपका एक अलग तरीके का विजडम क्रिएट होता है ठीक है सो दैट पीपल दैट यू पीपल है बेरेक्ट है सभी के पास भारतीय न्याय संहित कितने आपके पास नहीं है वन टू थ्री फोर ठीक है क्यों नहीं खरीदा नहीं अभी तक या मन नहीं कर रहा था, तो था, था? हाँ रास्ते में है ठीक है चलो एनी हाउ सो आई विल बी गिविंग यू पीपल फर्स्टली द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है और उसके बाद जो है एक एक करके हम लोग टॉपिक्स शुरू करेंगे ठीक है ये दरवाजा बंद आ जा आ आजा। आ जा गर्मी तो नहीं लग रही ठीक है ठंडा है मौसम छिल ठीक हाँ आप लोगों की सेवा है सर ठीक है ना चलिए राइट डाउन द टॉपिक्स दैट ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है आज आपको वैसे बेअरिट की कोई खास जरूरत है नहीं ठीक है बट इन द अपकमिंग सेशन बेअरिक्स मस्ट भी देयर और कोशिश करना है कि सारे बेअरिक्स जितना भी हमारा सिलेबस है स्पेसिफिकली फॉर हिमाचल सारे बेअरिक्स लिख के रखो ठीक है चलिए द टॉपिक्स विल बी नंबर वन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता ज विकेन से द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंस या फिर इसको आप असेंस भी लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंस लिख लो एक ही बात है जुरुसपुडेंशियल असेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता ठीक है आ जाओ आ जाओ ठीक है नेक्स्ट टॉपिक विल बी

वट इज कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी लिखते जाओ आप लोग वट इज कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी वट इज कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी नाउ द मोमेंट दीज बेसिक्स आर क्लियर ठीक है कि कल्पेबिलिटी लाइबिलिटी क्या है और ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको क्लियर होंगी उसके बाद आई विल भी टेकिंग यू पीपल इन द भारतीय न्याय संहिता जिसमें पहला हमारा एरिया रहेगा दट इज द टेरिटोरियल एक्सटेंशन Territorial extension of Bharatiya Nyaya Sahita. Territorial extension of Bharatiya Nyaya Sahita. Next. What is the difference between what is the difference between the words illegal and unlawful? What is the difference between the words illegal and unlawful? क्स्ट वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्प्ट ऑफ एक्टस रियस वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टस रियस एंड मेन्जरिया एक्टस रियर्स एंड मेन्जरिया अच्छा ये एक जर्नल चीज है जो भी मैंने आपको बताई कि अच्छा आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि अच्छा क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस हुआ भैया िटी लाइबिलिटी में क्या अंतर हुआ ठीक है अब इसके साथ साथ क्योंकि ये नया कानून है तो आप यहीं पे एक चीज एड ऑन करेंगे दैट इज द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स बिकॉज वी आर हैविंग सर्टेन न्यू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स इन द भारतीय न्याय संहिता सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल अब जब आपको इच्छा ये पता लग जाएगा कि अच्छा पनिशमेंट कितनी तरह की हो सकती है या क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बाद वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड टू हैव द डिस्कशन ऑन द ऑफेंसेस ऑफेंसेस जनरली आपके दो तरह के होते हैं वन आर द कंप्लीट ऑफेंसेस एंड अदर वन आर द इनकलीट जिसको हम कोहेट और इनकोहेट ऑफेंसेस के नाम से डिनोट करते हैं इट इज़ कोहेट ऑफेंसेस ऑफेंसेस। एंड इनकोहेट ठीक है कोहेट ऑफेंसेस मींस कंप्लीट ऑफेंस जहां पे अपराध पूरा हो चुका है ठीक है कोहेट ऑफेंसेस मींस वेर द ऑफेंसिस कंप्लीटेड और इनकोहेट में आता है इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, इनकम्प्लीट ऑफेंस सो फर्स्ट डिस्कशन विल बी ऑन द इनकोहेट ऑफेंसेस वाला जो एरिया रहेगा राइट डाउन इसमें जो एरिया रहेगा नंबर वन दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले कॉन्स्पिरेसी कहां पढ़ते थे आप लोग 120 कैपिटल ए कैपिटल बी में अब चला जाएगा सेक्शन नंबर 61 के अंदर ठीक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी सेक्शन नंबर सिक्सटी वन भारतीय न्याय संहिता नेक्स्ट अबेटमेंट 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 के इस पूरे एरिया में वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव टिल सेक्शन नंबर सिक्सटी ऑफ भारतीय न्याय संहिता फोर्टी फाइव टिल सिक्सटी ठीक है नेक्स्ट अबेटमेंट टू सुसाइड बेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन नंबर वन जीरो सेवन एंड वन जीरो एट बी एन एस के प्रोविजन लिखवाद रखिएगा ठीक है 107 108. Then, क्योंकि ये सब रिलेट करेगा ना जब आप अबेटमेंट टू सुसाइड पढ़ोगे तो डाउरी की बात बीच में आएगी और द मोमेंट द डाउरी इज देयर तो हम डाउरी डेथ का एरिया यहीं से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे दैट इज सेक्शन नंबर एटी ठीक है नेक्स्ट क्रुएलिटी क्योंकि जहां डाउरी होगा वहां क्रुएलिटी होगा ठीक है क्रुएलिटी सेक्शन नंबर 85 फाइव एंड एट्टी और ये सब करने के बाद वी विल बी डिस्कसिंग नॉट इन दैट मच डिटेल इन द वेरी बिगनिंग लेकिन आप लिख लो यहां पे दैट इज अटेम्प्ट अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस बिकॉज अटेम्प्ट एक तरह का इनकम्प्लीट ऑफेंस है ना इनकंप्लीट तो हुआ नहीं अपराध अटेम्प्ट सेक्शन नंबर 62 सेक्शन नंबर 62। अब ये जितने भी इनको हेट ऑफेंसेज हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अपराध तो शुरू हुआ लेकिन शायद पूरा नहीं हो पाया ठीक है सो so, ठीक है वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली इसके बाद आपका जो एरिया रहेगा दैट विल बी हेट ऑफेंसिस की जो बात है वो इसके बाद डिस्कस होगी ठीक है राइट डाउन नंबर वन दैट इज ऑफेंसिस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी ऑफेंसिस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी देखो सबसे पहले जो एरिया डिस्कशन में हम लेके आएंगे दैट विल बी कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली ये सब जो है तो उसमें आप लिखोगे इट इज सेक्शन नंबर थ्री ऑफ बी एन एस सेक्शन नंबर थ्री ऑफ बी एन एस एंड सेक्शन नंबर वन नाइनटी सेक्शन थ्री एंड सेक्शन वन नाइनटी ये जैसे आप थर्टी फोर और वन फोर्टी नाइन पढ़ते थे ना अब ये थ्री और एक सौ नब्बे ऐसे चलेगा ठीक है अब जब आप 190 वाला एरिया डिस्कस करोगे तो यहीं पे हम ये समझेंगे कि अच्छा अनलॉफुल असेंबली क्या है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है तो यहां पे पूरा एरिया 189, 190 वो सब उसी में आ जाएगा लिख लो दो प्रोविजन हम यहां पे लिख देंगे इज टू बी को रिलेटेड वन नेक्स्ट वन इज कल्पेबल होमेसाइड एंड मर्डर कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर सेक्शन नंबर 100 टिल 104, सेक्शन नंबर 100 टिल 104, 100 से लेके 104 तक आपका कल्पेबल होमिसाइड मर्डर व्हाट आर द एक्सेप्शंस, व्हाट विल बी द पनिशमेंट एवरीथिंग विल बी डिस्कस इसके बाद नेक्स्ट वन इज डेथ बाय नेगलिजेंस. पहले कहां था डेथ बाय नेग्लिजेंस 304 कैपिटल है अब चला जाएगा सेक्शन नंबर 106 के अंदर 106. Now, 106, जो कैपिटल ए के uh, substitute में अब आया है द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर हैविंग नाउ दैट इज द हिट एंड रन केसेस एंड इफ द पर्सन इज हिटिंग एंड रनिंग एंड ही इज नॉट रिपोर्टिंग द केस तो उसमें अब जो है एक नया अपराध हमारे पास है वो एक सौ छह के अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में लिख लेना हिट एंड रन केसेज आर टू बी डिस्कस्ड अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली मोटर व्हीकल एक्ट के साथ ओवर रैप करती हैं बट वी हैव टू कोरिलेट कि अच्छा इन दोनों के अंदर क्या चीजें पैरलिटी में आएंगी नेक्स्ट वन इज मिस कैरेज मिस कैरेज सेक्शन नंबर एटी एट टिल सेक्शन नंबर नाइन्टी फोर मिस कैरेज सेक्शन नंबर एटी एट टिल सेक्शन नंबर नाइनटी फोर नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट फोर्स एंड असोल्ट मैं अभी तो आईपीसी का कोई सेक्शन रिलेट नहीं कर रहा हूं बट हम जब टॉपिक्स पे आएंगे जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे उस समय हम आईपीसी के सेक्शंस को रिलेट कर लेंगे मतलब पहले हम भारतीय न्याय सहायता पढ़ लेंगे उसके बाद हम समझेंगे आईपीसी में क्या यहाँ पे लिखा गया था या सेक्शन कौन सा था वो लास्ट में हम नोट डालते जाएंगे ठीक है तो असोल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स इन सेक्शन एट टन थर्टी एट टिल वन थर्टीज

वन uh, 124 तक डाल दो आप 114 से लेके 124 तक 114 से लेके 124 तक इसमें सारे ही कवर हो जाएंगे सो वी विल रिलेटिंग इट लाइक दैट ठीक है नेक्स्ट वन इज किडनैपिंग एंड एबडक्शन किडनैपिंग एंड एबडक्शन 137 से लेके 142 तक वन टिल 142 ठीक है कुछ कुछ यहां पे चेंजेस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे अच्छा बदलाव क्या क्या है उस पर बात करेंगे पहले मैं टॉपिक्स लिखवा देता हूं ऑफेंसिज अगेंस्ट वुमेन इसमें डेफिनेटली सम न्यू प्रोविजन वी आर हैविंग सो यू पीपल राइट डाउन डेट इज सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर टिल सेवनटी एट सेवेंटी फोर सेवेंटी 78 इस एरिया में हम बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपका था आउटरीजिंग द मोडेस्टी ऑफ वोमेन ठीक है अलोंग विद स्टॉकिंग वो ये सब जो था अब यहां पे आ गया ठीक है 74 से लेके 78 में नेक्स्ट वन इज 63 से 71 रेप के जो चार्जेस रहेंगे रेप 63 से 71 तक अब इसमें रेप एनी अदर ऑफेंस रिलेटेड टू रेप अच्छा कुछ नए अपराध बने जैसे सेक्शन सिक्सटी में वी आर हैविंग न्यू ऑफेंस जो पहले हम इंप्लाइड तरीके से समझते थे दैट इफ अ पर्सन मेक्स अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड देयर आफ्टर ही गेट्स इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उसके लिए अब जो प्रावधान है वो सेक्शन 69 में रखा गया है पहले ये नहीं हुआ था हम होता था हमारे पास नेक्स्ट वन इज ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज सेक्शन नंबर 82 से 84 82 टिल सेक्शन नंबर 84 नाउ अलॉन्ग विदिल हैविंग सर्टेन न्यू ऑफेंसेज उसके ऊपर मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा ये हम मिड में कहीं ले आएंगे लेकिन मैं टॉपिक बाद में लिखवा रहा हूं राइट डाउन ऑर्गेनाइज क्राइम्स ये अलग हैइज्ड क्राइम्स ऑर्गेनाइज क्राइम्स नाउ दिस इज new थिंग विच यू पीपल विल रीड ये आज तक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा कहीं नहीं देखा ये नई चीजें हैं जिसमें पेपर लीक को लेके ठीक है शॉपलिफ्टिंग को लेकर ए टीएम कार्ड के स्वैपिंग को लेके ए मशीन के अंदर चोरी करने को लेके ऐसे ऐसे प्रावधान जो हैं ये आपको नए सेक्शन में मिलेंगे 113, 114, 113 एंड वन हंड्रेड ठीक है एक सौ एक काम करो 111 से शुरू करो आप 111, 112 ऐसे लिखो 111, 112 ठीक है 114 में तो हर्ट आ जाएगा ना ठीक है 111 और 112 लिखोगे इसके बाद एक लिखोगे दैट इज टेररिस्ट एक्ट्स सेक्शन चेंज कर लिया ना 111 हंड्रेड इलेवन एंड वन हंड्रेड ट्वेल्व ठीक है नेक्स्ट यू राइट डाउन दैट इज टेररिस्ट एक्ट नाउ टेररिस्ट एक्ट ऐसा नहीं है कि पहले पनिशेबल नहीं था इट वॉज पनिशेबल अंडर सम स्पेशल लॉज हमारे पास यूएपीए का कानून था या अदरवाइज बट अब आईपीसी भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी वी आर हैविंग द पर्टिकुलर प्रोविजन जिसमें थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है ठीक है सो दैट इज टेररिस्ट एक्ट सेक्शन नंबर वन हंड्रेड लिया 113 ठीक है 113 इसके साथ साथ हेडिंग बनाओ दैट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 152 फिफ्टी टू ऑफेंस अंडर सेक्शन वन फिफ्टी नाउ सेक्शन 152 इज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इंस्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ सिडिशन पहले आपका सिडिशन का अपराध था वन ट्वेंटी फोर कैपिटल एक के अंदर अब उसमें बहुत ज्यादा विवाद रहा कि अच्छा ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए हर व्यक्ति को आप उठा लेते हो सीडिशन केसेज में सो नाउ वी आर हैविंग ए सेपरेट ऑफेंस दैट इज एनी पर्सन हु इंडेंजर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ठीक है तो लिख लेना ऑफेंस ऑफ इंडेंजरिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऑफेंस इनडेंजरिंग

थ्री जीरो थ्री टिल थ्री फोर्टी एवरीथिंग विल बी कवर्ड यहीं पे ब्रीफ में आप लिख लो दट इज थिफ्ट एक्सटोर्शन, रॉबरी डेकोइटी ट्रेसपास, फॉर्जरी एटसेट्रा ठीक है चीटिंग चीटिंग भी लिख लेना चीटिंग एट्सेट्रा

जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया बस जो पढ़ाया कॉपी पे उसी पे काम करते रहे वही रट्टा मारते रहे बाकी कुछ नहीं किया सो नाउ आई एम टेकिंग एवरीथिंग ठीक है तो आगे आप लिखोगे दैट इज फॉल्स एविडेंसिस सेक्शन नंबर 229 228 229 में आ जाएगा गिविंग फॉल्स एविडेंसिस फैब्रिकेटिंग एविडेंसेज एटसेट्रा नेक्स्ट टैंपरिंग ऑफ और स्क्रीन टैंपरिंग ऑफ एविडेंसिस नेक्स्ट ऑफेंस विल बी टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस एंड स्क्रीनिंग ऑफ द ऑफेंडर स्क्रीनिंग ऑफ ऑफेंडर सेक्शन नंबर 238 थर्टी एट किसी को हिंदी में लिखना हो तो लिख सकता है सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी अगर ठीक है तो धारा लगेगी दो सौ पहले लगती थी दो सौ एक ठीक है अब टू थर्टी एट लगेगी ठीक है नेक्स्ट वन इज ऑफेंस ऑफ ऑब्सैनिटी ठीक है ऑब्सेनिटी, ऑब्सीन एक्ट्स को लेके वी आर हैविंग द प्रोविजंस सेक्शन नंबर 294 पहले दो बानवे में हुआ करता था अब 294 में है ठीक है 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ठीक है इसमें एक ब्रैकेट में लिख लेना हिकलिन टेस्ट एच आई सी के एलई एन हिकलेन टेस्ट अब ये हिकलिन टेस्ट वैसे तो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है इसकी जगह एक और टेस्ट है वो हम अप्लाई करते हैं ठीक है बट स्टिल इन द एग्जाम्स दे माइट बी आस्किंग यू सच काइंड ऑफ थिंग्स नेक्स्ट यू राइट डाउन दैट इज द ऑफेंस ऑफ डेफामेशन ऑफेंस ऑफ डेफामेशन और इसके लास्ट में हम लोग डिस्कशंस करेंगे दैट इज ऑन पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस जिंग ऑफ वॉर पब्लिक न्यूसेंस वेजिंग ऑफ वॉर एंड ऑफेंसिज अगेंस्ट रिलीजन ऑफेंस इज अगेंस्ट रिलीजन ठीक है तो ये जो लास्ट में एरिया है ये मिसलिनियस है मिसलिनियस मींस की ओके okay, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा आजकल तो सर एग्जाम में वही चीज डाली जा रही है जो मिसलिनियस है ठीक है अब एग्जाम्स में वो नहीं है कि अच्छा जो मर्डर है तो मर्डर से ही सवाल पूछेंगे नहीं आपसे पूछेंगे कि पब्लिक सर्वेंट थाने में नहीं गया तो उसने क्या अपराध कर दिया पब्लिक सर्वेंट ने एफ नहीं लिखी तो क्या अपराध हुआ तो नाउ दे आर आस्किंग ऑफ नाउ थिंग्स ठीक है तो ऑफ में डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन ऑन तो तो ये टॉपिक्स टॉपिक्स हैं द द द द रिदम ऑफ ऑफ विल बी बेसिस आपको पहले पता है कि हम लोग क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको पहले से जानकारी है तो आप अगर यू हैव फ्री टाइम सो यू कैन को रिलेट दैट टॉपिक इन द होम इट ठीक है जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे आप एक बार सेक्शन पढ़ के आ सकते हैं सेक्शन में लिखवा दिया आपको हम क्या करेंगे ठीक है जस्ट स्टार्ट सेशन ठीक है आप पहला आपका जो हेडिंग है जो पहला टॉपिक है उस पर आते ठीक है डिफरेंट पेज से आना इसी पेज से शुरू मत करना अलग पेज पे आओ द जुरिस्पुडेंशियल असेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ लॉ दिस इज और इसको संहिता क्यों कहा जा रहा है क्योंकि अब मैं कानून पे आ चुका हूं तो मेरा एक सवाल बड़ा लाजमी है कि वाई दिस इज कॉल्ड एज अ संहिता संहिता मीन्स कोड है ना हम दो चीजें यूज करते हैं ना वन इज द एक्ट एंड वन इज द कोड वट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ एनी वन ऑफ यू वट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ठीक है एंड एक्ट मीन्स एक्ट देखो हिंदी में अगर आप कहोगे तो कोड को संहिता कहा जा रहा है ठीक है और एक्ट को अधिनियम ठीक है अधिनियम कहा जाता है दोनों में अंतर है सर ठीक है और हिंदी की अगर आप क्लासेस तो लगाती हैं तो हिंदी भी लिख लिया करो थोड़ थोड़ा थोड़ा ठीक है एक्ट को क्या कहा जा रहा है अधिनियम और कोड को कहा जाता है संहिता तो अधिनियम जो है या एक्ट वर्ड जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब दैट इट इज समथिंग न्यू एक नया विषय है उस नए विषय के ऊपर पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैड मेड अ पर्टिकुलर लॉ ठीक है तो कोई भी नया विषय जैसे सपोज अब छोटे छोटे अगर आप एग्जाम्पल लें तो हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो इसका मतलब पहले मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हमारे पास कोई ऐसा था ही नहीं कानून तो आप अगर हवाला ट्रांजैक्शंस करोगे हवाला ट्रांजैक्शंस मींस कि अगर गलत तरीके से पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है या आपने ब्लैक मनी बहुत सारा कमा लिया और उसको उसको लेके प्रॉपर्टीज जनरेट कर ली तो इसको लेके कोई स्ट्रिजेंट प्रोविजन नहीं थे तो हमें लगा कि इस विषय पे कानून बनाने की जरूरत है एंड द मोमेंट वी गॉट दैट पर्टिकुलर थॉट तो हमने क्या किया लेजिस्लेचर में जाके बिल बना, आए, बिल बना लेके आए अगर पास हो जाए दोनों प्रेजिडेंट गिवस दट द कोड वर्ड इज समथिंग डिफरेंट तो आपको क्या लगता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा है सीआरपीसी सीपीसी जो हम पढ़ते रहे ये क्या एकदम से आ गया 1908 में सीपीसी एकदम से आ गया नहीं पहले भी तो था ना कुछ ना कुछ दीवानी मुकदमे कैसे चलेंगे फौजदारी मुकदमे कैसे चलेंगे वी हैव सर्टेन थिंग्स तो मुगलों के शासन में भी देख लो तब भी कुछ था फिर आपने अंग्रेजों के शासन में देखा तब भी कुछ है तो इसका मतलब देर आर सर्टेन थिंग्स आर बेसिकली इन एग्जिस्टेंस लेकिन उनका कोडिफिकेशन नहीं हो रखा क्या नहीं हो रखा डिफिकेशन इसका मतलब एक उसको नियमित तरीके से अप्लाई कैसे किया जाएगा यह कहीं नहीं था तो कोई भी चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो जैसे श्रेया ने कहा कि कोई भी चीज अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और उसको आप फॉर्मलाइज कर रहे हैं है ना तो बहुत सारी चीजें थी आपने फॉर्मलाइज करके उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है तो हम उसके लिए कोड वर्ड यूज करेंगे ठीक है अब अभी आपके लिए भारतीय न्याय संहिता अब इसको संहिता वर्ड क्यों डाला आपने क्योंकि आईपीसी हमारे पास पहले से है आप इसको भारतीय न्याय एक्ट नहीं कह रहे ठीक है नहीं कहोगे या भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट नहीं कहोगे संहिता कहोगे कारण कि अच्छा वो तो पहले से है, 1859 में भी था फिर उन्नीस में भी था ऐसे ऐसे बनता रहा अलग अलग प्रोविजंस होते रहे उन्हीं को कंसोलिडेट करते हुए हमने सीपीसी बना रखा है वैसे ही हमारे पास जब सीआरपीसी आया 1970, में, तो CRPC 1973 में तो सीआरपीसी 1973 में कोडिफाई किया ठीक है लेकिन आप उसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं है ना तो था तो पहले से बाद में कोडिफिकेशन किया 1973 में सिमिलरली इंडियन पेनल कोड 1860 में आया तो इसका क्या मतलब है कि 1860 से पहले लोगों को सजा नहीं होती थी सजा तो होती थी है ना मुगलों के शासन में भी तो था आई फॉर आई है ना सो so, ये सारी चीजें पहले से थी डिफिकेशन किया जा रहा है इसका मतलब सभी चीजों को कंसोलिडेट कर रहे हैं सेम वही 2023 में हुआ है ठीक है दैट विद रिस्पेक्ट टू द भारतीय न्याय संहिता वी वर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी हैव ट्राइड टू मेक इट कंसोलिडेटेड तो हमने संहिता बनाया हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया अब इसके साथ साथ जब आपको ये छोटी सी चीज जब क्लियर है कि अच्छा कोडिफिकेशन और एक्ट में छोटा सा अंतर होता है ठीक है नाउ यू पीपल जस्ट टेल मी वन थिंग दैट वट इज दट इज वॉज द रिक्वायरमेंट दैट वी आर मेकिंग दीज न्यू इन एक्टमेंट्स आर न्यू कोड्स वट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट परेशानी हो जाती थी हाँ ठीक है कि इन्होंने एक, एक चीज़ बहुत अच्छी की कि अच्छा डेफिनेशन कहीं है पनिशमेंट कहीं है तो समस्या आती थी पढ़ने में ठीक है कितने लोगों को ये समस्या आती थी वन टू अच्छा इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा सेक्शन थ्री हंड्रेड के अंदर मर्डर डिफाइंड है और तीन सौ दो के अंदर पनिशमेंट है यही मतलब हुआ कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है और जो रॉन्गफुल रिस्टेन है थ्री फोर्टी फोर्टी वन में आता है फिर पनिशमेंट उनकी आगे चली जाती है ठीक है तो इन्होंने एक काम किया है कि अच्छा उन्होंने पनिशमेंट्स और डेफिनेशन को मर्ज कर दिया एक इस धारा में सब क्लॉजेस बना है लेकिन ये तो कोई मटीरियल चेंज नहीं है खाली यही काम थोड़ी करना था अमित शाह जी ने मटेरियल चेंजेस आपको समझने देखो एक तो होता है कि कॉस्मेटिक चेंज तो जैसे अभी पारिशाह ने कहा कि सर ये चेंज हुआ है so अच्छा समस्या आती थी बच्चों को ठीक है जिनको पढ़ना होता था वैसे आम आदमी को उससे क्या लेना देना ठीक है आम आदमी के लिए तो नए कानून बनाए जा रहे हैं ना सो वी है वट इज द मटीरियल चेंज वी आर है थिंग्स ओवरवेर वॉज नो पर्टिकुलर ऑफेंस गिवन इन दंसर्न प्रोविजन ऑफ द पर्टिकुलर इनैक्टमेंट और उसको लेकर हमने धारा बनाई उसको लेके हमने पनिशमेंट बनाई कि अच्छा इस चीज पे भी कानून होना चाहिए ठीक है जैसे शॉप लिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा ये जो ऑर्गेइज क्राइम वाला एरिया है या पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स है यहाँ पे शॉप लिफ्टिंग मिलेगा क्या होता है शॉप लिफ्टिंग दुकान से गए आपने देखा दुकानदार दूसरी तरफ देख रहा है तो उठा के कुछ डाल लिया अपने झोले में ठीक ठीक है? है? अब यह चीज को लेके जर्नली जो है का मुकदमा रजिस्टर होता था पहले, ठीक है? लेकिन आ, दो इट इज थेफ्ट लेकिन इसको एक अलग कैटेगराइजेशन इसको दे दिया अच्छा आपने पहले स्नैचिंग को लेके अलग से कोई प्रावधान नहीं था हमने कहा कि नहीं स्नैचिंग को लेके अलग से प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि थेफ्ट करना एक अलग चीज है थिफ्ट मीन्स कि अच्छा आप किसी के घर में गए व्यक्ति गया उसने वहां पे चोरी करी चोरी करके आ गया तो so लेकिन स्नैचिंग के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं कि अच्छा कोई बाइकर बाइक पे जा रहा है और राह चलते व्यक्ति के गले में से चेन निकाल ली तो दैट इज स्नैचिंग ठीक है तो स्नैचिंग और थिफ्ट में दे हैव क्रिएटेड अ बिट डिफरेंशिया ओवरऑल अगर आप देखोगे तो है तो ओवरलैपिंग थी पहले लेकिन अब वो ओवरलैपिंग को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और क्या चेंज आपको देखने को मिल रहा है अदर चेंजेस अगर आपने अभी नहीं भी पढ़ा हो लेकिन सुना तो ही है बहुत जगह अलग अलग जगह YouTube पे हर जगह बता रहे हैं कि अच्छा क्या है यस एनी अदर थिंग यू पीपल टू एड्रेस हैंटिकली डेफिनेशन को थोड़ा सा से सेटल किया गया है वेरी गुड ठीक है सो पहले डेफिनेशन जो थी वो आप लोग पढ़ना शुरू करते थे सेक्शन नंबर दो के बाद से मतलब दो से लेके चार, चार तो ये टेरिटोरियल एक्सटेंशंस थी उसके बाद सेक्शन नंबर Onwards, आपकी ये ये शुरू हो जाती थी कि में जेंडर, ये, वो सब आ आ जाता था। अब इन्होंने किया तो एक ही सारी सारी की सारी गई। ठीक है, है। अच्छी बात है। आप लोगों को इसको फायदा होगा कारण क्या है कि जब आपको MCQs आते हैं, आपको डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है समझ में कैसे रिलेट करते क्या चेंज हुआ है कोई ऐसा विषय बताओ जो पहले नहीं था टेररिज्म हाँ अलग से था ठीक है लेकिन टेररिस्ट एक्ट को एक वाइडेस्ट मीनिंग देने की कोशिश की जा रही है वाइडेस्ट मीनिंग मतलब जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि एक्सप्लोजिव से बायोलॉजिकल uh, वेपन से हर चीज से अगर अगर टेररिज्म हो सकता है तो हर चीज को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है और एनी अदर थिंग मालविका नो आइडिया लुक बिकॉज इट इज अबिव लॉ है ना हम जिस जिस कानून के ऊपर आज पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटैंड लॉ सब्सटेंटिव मीन की किसी व्यक्ति के लाइबिलिटी की बात करता है ठीक है तो आप लिख लेंगे कॉपी पे दैट भारतीय न्याय संहिता इज अब्सटेंटिव लॉ इज अब्सटेंटिव लॉ बिकॉज बिकॉज it deals with because it deals with the punishments to the offenders because it deals with the punishments to the offenders by which the liabilities will be settled by which the liabilities will be settled मैं आपसे एक चीज जो जानना चाह रहा हूं उसका जवाब मुझे आप में से कहीं से नहीं मिल रहा मैं जो चीज जानना चाह रहा हूं कि हमारे पास 1860 में इंडियन पेनल कोड था और 2023 में हम भारतीय न्याय संहिता को लेके आए कल से ये इन्फोर्स हो चुका है ठीक है बहुत अच्छा लगता है कि कल से इन्फोर्स हुआ है और आज पढ़ रहे हैं So, एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहा है ठीक है अब इस ट्रांजिशन में वी आर हैविंग सर्टेन न्यू ऑफेंसेस अगर इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करें तो हम कहेंगे कि अच्छा कुछ नए अपराध है ये नए अपराध क्यों बनाए गए ये 1860 में अपराध क्यों नहीं थे चेंज इन टाइम चेंज इन प्लेस विल डेफिनेटली हैव सम इंपैक्ट ऑन द ऑन द एक्ट्स ऑफ द पर्सन क्या इसका मतलब है कि अगर 1860 में एटीएम नहीं होता था तो कार्ड स्वैपिंग कैसे होगा एटीएम नहीं था तो उसमें चोरी कैसे होगी मॉल नहीं थे तो शॉपलिफ्टिंग कैसे होगी दुकानदार तो फिर भी शॉपलिफ्टिंग रोक लेगा मॉल में यह समस्या ज्यादा ठीक है थीके? तो जब यह चीजें है ही नहीं तो अपराध कैसे बनेगा ठीक है नाउ वी आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स तो वी फाइंड दैट ओके वी हैव टू मेक द लॉ तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन इट इज स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन नाउ वट इज बींग मेंट बाय स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन इज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू थिंग्स कैन बी मेड एज ऑफेंसेस ठीक है समय और जगह के हिसाब से परिवर्तन होता है है ना देर इज ऑलवेज अ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द चेंज ऑफ प्लेस लिख लो देर इज ऑलवेज देर इज ऑलवेज देर इज ऑलवेज अ चेंज विदेर इज ऑलवेज अ चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द चेंज ऑफ द प्लेस जगह के हिसाब से समय के बदलाव से हर बार आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है अब जब हम समय और जगह की बात कर रहे हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके सामने रखता हूं लाइक नाउ इन बी एन एस एडल्ट्री एंड दट ऑफेंस ऑफ अननेचुरल नेचुरल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली ऑमिटेड ठीक है इनका जो भी एक जो चीजें रिजर्व की गई थी वो अलग प्रोविजन में आ गए लेकिन जनरली अपराध जो है वो नहीं है क्यों नहीं है सो दीज थिंग्स आर बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है Why? क्या बदलाव हुआ वट इज द चेंज वी आर लुकिंग फॉर बाय विच वी आर सींग टूके अडल्टर इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया नाउ वट इज द चेंज ठीक है सो यू आर मेकिंग इट मोर जेंडर न्यूट्रल एंड यू आर दैट दैट ओके वाइफ इज नॉट कंसीडर टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बेंड है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टर्मनोलॉजीज यूज की उस, उसमें उसमें उन्होंने कहा कि देखो वाइफ इज नॉट अ चैटल ठीक है जो आपकी धर्म पत्नी है वो पशु नहीं है ऐसा कहा गया और आप उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार नहीं कर सकते ठीक है दैट इज द बेसिक टैगलाइन विच वॉज बी गिवन एंड वाय द सुप्रीम कोर्ट इज कमिंग ऑन दैट पॉइंट पहले भी तो जजमेंट आई है ना उसमें क्यों कहा कि ये वैलिड है दो 2018 में ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्टम के, के, के अंदर यह चीज आई कि नहीं इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं? वाय क्यों आपने ये पहले नहीं किया क्यों सौमित्री विष्णु के, के केस में ऐसा नहीं हुआ वाय आंसर मुझे वाई ये चाहिए क्यों अमिंदर देखो इसमें एक चीज अगर हम कहें कि सोसाइटी टू द लार्जर एक्सटेंट मोर ऑफन वी कैन से दैट ओके इन द अर्बन एरियाज दीज थिंग्स आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल जब समाज के लोगों को एक्सेप्टेबल है तो सुप्रीम कोर्ट कहते हमें क्या फंसी पड़ी है कि हम कहें कि नहीं ये कानून में अपराध माना जाएगा नो इफ द सुप्रीम कोर्ट इज कमिंग ऑन द ओपिनियन दैट ओके इफ दिस थिंग इज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी टू द लार्जर एक्सटेंट इट शुड बी डी बिकॉज एवरी पर्सन हैव द फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी है ना और लिबर्टी के अंदर प्रिवेसी लिबर्टी सेक्शुअल अटोनोमी सेक्शुअल ओरिएंटेशन हर चीज आती है तो आप इन चीजों को क्यों पनिशमेंट करते हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो एडल्ट्री के, के केस में फीमेल और मेल दोनों को पनिश कर दो या इसको टोटली totally अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दो ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है पूरा ही हटा देते हैं ठीक है अब ये बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को फर्दर हमारे पास जोसेफ शाइन का जजमेंट जब ये आया था 497 के ऊपर 497 के ऊपर आईपीसी का 497 था तो किस तरह की न्यूज चलती रही उस समय अगर आप लोगों ने इस इस चीज को विटनेस किया हो 2018 में जब ये हमारे पास जजमेंट आया जोसफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हाट यू पीपल हैव सीन इन द न्यूज़ कहां पे थे आप 2018 में स्कूल में थे तो आपको तो पता नहीं होगा कुछ खास पता था ध्यान था इस चीज का जो कॉलेजेस में थे ठीक <laughs> है तो उस समय न्यूज चैनल्स पे ये खबर चलाई जा रही थी कि अब मियां बीवी के बीच में कोई और भी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है ठीक है मियाँ बीवी और वो क्वेश्चन मार्क ठीक है अब वैद्य है ठीक है सो इस तरह की न्यूज चलाएगी अब जब ये न्यूज पब्लिक मीडिया में आएगी व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव विल बी देयर वट काइंड ऑफ नैरेटिव विल बी देर ठीक है दोज पीपल हुर दंगस्टर्स उनको तो कोई समस्या नहीं है उनके लिए ठीक है ठीक है बट दोज पीपल दो मोर देन सिक्सटी प्लस एज वट द मैसेज दे पीपल आर गेटिंग कि ये समाज में क्या हो रहा है ये तो समाज खराब कर देंगे बट वट एवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इट इज बाइंडिंग अपॉन एस

इसको भी पार्शली डिकिमिलाइज किया कारण क्या रहा वट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि जब नवतेज सिंह जौहर का भी जजमेंट 2018 में आया ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे वाई थ्री सेवेंटी सेवन वॉज डिक्लेयर एज पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाई क्योंकि इसमें एक एल जी बी टी कम्युनिटी के रेफरेंस में यह केस चल रहा था कि अच्छा दीज पीपल आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफ इज नॉट अ स्ट्रेट पर्सन तो अब इन लोगों के भी तो राइट्स है ना कि फंडामेंटल किस right खाली मेल और फीमेल के लिए है नो ठीक है मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर भी हैं एल कम्युनिटी भी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन सेक्शुअल प्रेफरेंसेज अलग हैं सेक्शुअल अटोनमी अलग है तो आप इन सारे लोगों का ध्यान रखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जजमेंट देते उन्होंने कहा कि देखो हम जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो केवल कुछ एक लोगों के लिए नहीं है कोई भी ऐसा सेक्टर भी ऐसा सेक्टर अगर हमारे इंडिया में किसी कम्युनिटी का है उसके लिए भी है तो इन लोगों के लिए वो राइट हुए ठीक है और इन्होंने कहा कि अगर कंसेंशुअल सेम सेक्स इंटरकोर्स हो रहा है तो वो पनिशेबल नहीं होगा ठीक है और भारतीय न्याय संहिता के अंदर हमने बिल्कुल हटा दिया इस चीज को अब तो है ही नहीं मतलब लिखा ही नहीं ठीक है सो द ब्रॉडर क्लेरिफिकेशन ऑन दिस की अच्छा सोसाइटी बताती है कि क्या अपराध होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए आप लोग मुझे कोई ऐसे ऐसा कोई एक एग्जांपल दो जो आपको लगता है कि ये चीज अपराध नहीं होना चाहिए या ये चीज अपराध होना चाहिए एनीथिंग विच पीपल वॉन्ट टू एड्रेस फोर्स्ट मैरिटल इंटरकोर्स गुड अदर थिंग काउस लॉटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है मेरे पास दो चीजें आई हैं आपको क्या लगता है मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ठीक है आप लोग बताइए दैट डू फोर्स मै राइटर इंटरकोर्स शुड बी मेड पनिशेबल यस ऑर नो आई नीक द स्ट्रॉग कन्विक्शन इन यू पीपल यस ओके सपोज इट इज बींग मेड पनिशेबल अच्छा पहले तो ये कि ये पनिशेबल बनाया क्यों नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हैं दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया दिल्ली हाई कोर्ट का को ऑब्जर्वेशन भी आया कि अच्छा ये तो पनिशेबल होना चाहिए लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं ठीक है और फॉल्स so, केसेस हाँ ठीक है सो अतुल ने कहा कि सर फॉल्स केस आ जाएंगे सर ठीक है तो जिस तरह से हमारी एनसीआरबी का डाटा ये कहता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा कहता है कि क्रुएलिटी के अपराध का मिसयूज़ बहुत होता है है ना और आपने तो जजमेंट्स पढ़ी हैं जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ा है तो अर्नीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्मिनोलॉजी यूज की डिसग्रंटल्ड वाइफ्स a, a ये टर्मनोलॉजी यूज की कि जो महिलाएं अपने आप सेफाई नहीं है उनके लिए चार सौ अट्ठानवे कैपिटल ए भारतीय दंड संहिता का एक वेपन की तरह यूज होता है ठीक है और इसीलिए तो नाइन्टी परसेंट जो है वो इक्विटल है और दस परसेंट कन्विक्शन रेट है अगर मैराइटल इंटरकोर्स ऑफेंस बन जाता है वट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट ठीक है देखो आपको यह समझना है देखो आपका विजडम इस तरीके से काम करेगा कि जब आप यह समझोगे कि अच्छा इसको अपराध बनाने के कारण क्या है और इसको अपराध ना बनाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और जहां पे भी आपको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखने को मिलेगा कि अच्छा अगर अगर इसको अपराध बनाया जाए व्हाट विल बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और अगर ना बनाया जाए तो क्या नुकसान है ठीक है जस्ट कम टू दैट डिस्कशन Let's see that if forced marital intercourse is made as a punishable offense, what will be the drawback of it? Misuse. Okay. That misuse. <laughs> the most important thing is it is a private act. हसबेंड एंड वाइफ एंड बिकॉज इट इज अ प्राइवेट एक्ट नो विटनेस इज अवेलेबल एंड इफ नो विज अवेलेबल इट इज वेरी हार्ड फॉर द डिफेंस टू प्रूव दैट ही हैड नॉट कमिटेड इट और आप आजकल ऐसे अपराधों में कल्पेबल मेंटल स्टेट का एक प्रिजम्पन ड्रॉ करते हैं कि जिसने अपराध किया है वो दंडनीय माना जाएगा ठीक है सो अगर यह चीज अपराध बन गई ठीक है वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स ये अब बनेगा लेकिन मान लो बना दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग शादी करने के हक में रहेंगे आई डोंट बिकॉज हर व्यक्ति को एक तो पहले क्रुएलिटी डाउरी ऊपर से ये ठीक है एंड नो सेकेंड पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड बिकॉज अगर ऐसे केसेस आना शुरू हो गए और प्रोसिक्यूशन के फेवर में हम प्रिजम्पन ड्रॉ करें कि अच्छा इसने अपराध किया है एक्यूज ने अब एक्यूज को प्रूव करना उसने नहीं किया दर वॉज नो फोर्सफुल एक्ट एंड बिकॉज इट इज अ प्राइवेट एक्ट यू हैव नो विटनेस इज इट नॉट इट इज अ डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द प्रीवसी ऑफ द पर्सन इज इट नॉट इट इज अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट बिकॉज राइट टू प्रीवेसी आपका फंडामेंटल राइट right है हाउ द थिंग्स ठीक है इसलिए मुश्किल है ठीक है अब यहां से आई ऑल्सो फील दैट ओके इट शुड बी लेकिन इसकी स्क्रूटिनी करना मुश्किल है ठीक है इस चीज को अगर आप कानून बना भी दोगे तो इसमें कन्विक्शन करवाना इजी हो जाएगा अगर प्रोसिक्यूशन के फेवर में हम कोई प्रिजम्पन ड्रॉ कर रहे हैं और एक्यूज के लिए डिफेंस लेना लगभग इंपॉसिबल हो जाएगा तो जिस तरह से क्रुएलिटी के या डाउरी के केसेस में मिस होता रहा वैसा यहां होगा हंड्रेड ऑफ केसेज विल बी देयर और फ्लड आएगा सर क्योंकि ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको लेके हर दूसरा व्यक्ति थाने में आ जाए ठीक है कि सपोज

ठीक be है एंड एवरी सेकेंड हस्बैंड विल बी देयर बिहाइंड द बार्स है कि नहीं है है ठीक so, इसी कारण से इसको अपराध नहीं बनाया जाएगा बिकॉज सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये अपराध बने एंड जब तक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये नहीं बनेगा और मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी कभी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी ये एक चीज आपको समझनी चाहिए काउस लॉटर को लेके मालविका ने एक चीज की कोई आप नुकसान पहुंचाते हो तो अभी भी पनिशमेंट्स हो जाती है मिसिफ का अपराध माना जाता है लेकिन जनरली जो स्ट्रीट पे जो, आ, जो काउज है जो अब काउज है उनको लेके अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है ठीक है तो अगर आ जाए तो बेहतर है ठीक है और ऐसी कोई चीज आप मुझे बताओ जो पनिशेबल नहीं होनी चाहिए जो है पनिशेबल लेकिन नहीं होनी चाहिए है कुछ ऐसा क्या उस लेटर नहीं होना चाहिए ठीक तो थी। है इसका थोड़ा सा वो हिंदुत्व की तरफ जा रहा है हा सो so, ठीक है मतलब इस चीज पे विचार किया जा सकता है दैट एनिमल क्रुएलिटी शुड नॉट बी देयर दैट शुड बी द बेटर आंसर टू इट ठीक है बाकी अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है और कोई चीज कुछ आप बातचीत करना चाहें, इसी पॉइंट पे हम्म, सो so वो अननेचुरल ऑफेंसेस में अभी भी पनिशेबल है वैसे ठीक है मतलब इन द भारतीय न्याय संहिता आल्सो वी हैव द प्रोविजंस फॉर दैट चलो इसका मतलब एक जर्नल आपका दिमाग इतना चीज तो समझ रहा होगा कि अच्छा सोसाइटी डिसाइड करती है कि किस पे अपराध बनेगा और किस पे अपराध नहीं होना चाहिए ठीक है और अगर सोसाइटी ने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और वो चीज पनिशेबल थी तो उसको अब अपराध आप नहीं मानते हो तो लिखते जाएंगे राइट डॉ दैट बी एन एस भारतीय न्याय संहिता इज अ मैटर ऑफ पब्लिक लॉ इज अ मैटर ऑफ पब्लिक लॉ बिकॉज बिकॉज it affects because it affects the society because it affects the society to the larger extent it affects the society to the larger extent full stop an offence an offence is considered to be an offences Considered to be an offense is considered to be a crime against the society, an offense is considered to be a crime against the society, and it is a matter of and it is a matter of societal policy it is a matter of societal policy and societal decisions it is a matter of societal policy and societal decisions that that what wrongs it is a matter of societal policy and societal decisions that what wrongs will be considered what wrongs will be considered to be a wrong against the society? What wrongs will be considered to be a wrong against the society and and societal thinking? Static dynamic dynamic, the societal thinking is dynamic in nature and societal thinking is dynamic in nature and it keep on changing and it keep on changing so so something so something which affects something which affects the society something which affects the society द लार्जर एक्सटेंट लार्जर एक्सटेंट का मतलब समझ रहे हैं ठीक है समथिंग विच अफेक्ट द सोसाइटी टू द लार्जर एक्सटेंट शुड बी मेड पनिशेबल शुड बी मेड पनिशेबल बिकॉज बिकॉज इफ एन एक्ट इज ऑफ बिकॉज इफ एन एक्ट इज ऑफ सच ए नेचर If an act is of such a nature that it affects the societal conscience, that it affects the societal conscience, societal consigns, then then such acts sh should be made punishable under law. Such act should be made punishable under law. And, and it is a collective judgment and it is a collective judgment of the entire society it is a collective judgment of the entire society that that the criminal must be prosecuted it is a collective judgment of the entire society that the criminal must be prosecuted लुक पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग ओवर है मैंने एक लास्ट में एक चीज लिखवाई कि अच्छा क्रिमिनल मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड राइट हु प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दट इज स्टेट स्टेट किसका रिप्रेजेंटेटिव कही जाती है सोसाइटी को अगर हम डिनोट करें है ना कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट होता है नॉट स्पेसिफिकली टू द ऑफेंसिस जनरल तौर पर भी अगर आप देखें तो हम लोग ही तो सरकारें चुनते हैं सोसाइटी इलेक्ट द गवर्नमेंट राइट तो उसी तरह से सोसाइटी इज बींग रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट सोसाइटी का मतलब अगर सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट अपराध होता है एनी पर्सन सुवर इज बींग विक्टिम ऑफ एनी ऑफेंस फॉर दैट विक्टिम द स्टेट विल कंटेस्ट द केस और स्टेट के बिहाफ पे स्टेट का कौन एजेंट है Public prosecutors. So, PP is considered to be as, as an agent of the state, and that public prosecutor is representing the victim in the court of law and he is taking all the prosecution so that the criminal must be punished. So, this line right now. That the public prosecutors, next paragraph, the public prosecutors. Are the agents of the state? Are the agents of the state? And, and they carry on the prosecution, and they carry on prosecution on behalf of the victim. They carry on prosecution on behalf of the victim. On behalf of the victim. Because, because this society is being represented because the society is being represented by the state, society is being represented by the state, and hence society is being represented by the state, and hence. it is the ड्यूटी ऑफ द स्टेट hence इट is the ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर इट is a ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी देखो मैंने बीच में एक चीज आपको लिखवाई कि कोई भी चीज जो सोसाइटल कंसाइंस को इफेक्ट करती वो है वो अपराध है सोसाइटल कंसाइंस का मतलब क्या होता है वट डू अंडरस्टेंड बाइटल कंसाइंस हाँ अंकुश सोसाइटल कंसाइंस कंसाइंस को आप कैसे समझते हैं भाव करीका ने कहा सर भाव कॉन्शियसनेस वेरी गुड लुक द पॉइंट इज कि मान लीजिए आपके पड़ोस में मर्डर हो जाए गॉड फॉरवर्ड ठीक है खुशी मत हो जाना ठीक है मान लीजिए पड़ोस में मर्डर हो गया विल यू विल स्टेबल नहीं विल द अदर पीपल इन द दिसनिटी विल बी स्टेबल नो हर एक व्यक्ति को डर रहेगा कि अच्छा पड़ोस में ऐसा हो गया तो हमारे साथ ना ऐसा हो जाए पड़ोस में चोरी अच्छा अगर ऐसी खबर आ जाए कि अच्छा धर्मशाला के कोतवाली बाजार में चोरी हुई तो वट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन इन योर माइंड कि वहां हो गई है तो यहाँ ना हो जाए तो आपकी गाड़ी में ना हो जाए कहीं और ना हो जाए धर्मशाला में चोर आ गए हैं हाँ तो ऐसी ऐसी इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आती है और कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटल कंसाइंस को इफेक्ट कर रही है जो सोसाइटी की कॉन्शियसनेस को इफेक्ट कर रही है जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स को इफेक्ट कर रही है वो अपराध हो सकता है इज अ वेरी बेसिक थिंग लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपराध नहीं है क्योंकि फलाने की बीवी भाग गई जी आपको क्या फर्क पड़ रहा है तो हमने कहा कि मियाँ बीवी और वो तो चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है सो समथिंग विच इज नॉट अफेक्टिंग टू द सोसाइटी एट लार्ज बड़ा प्रिंसिपल है इसके बाद में अगला एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अच्छा हमारा आप लोगों ने जब आप लॉ कॉलेजेस में पढ़ा करते थे कुछ एक लोग अभी अभी नए नए निकल के भी आए हैं आज की क्लास में तो जुरुस्टूडेंट के अंदर मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है आपने कहा पढ़ा है कहीं पे कुछ पढ़ा होगा मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाएं मोरालिटी के ऊपर आपने कुछ पढ़ा है एक डिबेट आता है हार्ट एंड फुलर का डिबेट आता है हार्ट एंड फुलर का एक डिबेट आता है ठीक है जिसमें आपको ये चीज बताई जाती है कि अच्छा मोरालिटी और लॉ के अंदर क्राइम्स के अंदर क्या कनेक्शन है ठीक है आप मुझे कुछ एक ऐसी मॉरल समझते हैं आप लोग क्या होता है वट इज मॉरल नैतिक कोई भी चीज जो धर्मशास्त्र के हिसाब से ठीक है वो मॉरल है और इमोरल जो गलत है ठीक है जिसको मतलब आप एक्सेप्ट ना करो आप मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो इमोरल है और ऑफेंस भी है इमोरल है और ऑफेंस भी है इमोरल है और थिफ्ट भी है लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके आपके पास एक बच्चा है सपोज छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा पिछले दो दिनों से भूखा है और आपके पास एक पैसा नहीं है अब आप क्या करोगे आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय चोरी के कोई रास्ता है ही नहीं कोई हेल्प नहीं कर रहा आप एक दुकान के बाहर खड़े दुकान वाले ने बाहर ब्रेड पीस लगा रखे हैं आपने एक ब्रेड पीस उठाया आपने खा लिया बच्चे को भी खिला दिया वट इज दिस है लेकिन मोरालिटी के हिसाब से ठीक लग रहा है ठीक है इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सर उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी तो इफ पर्सन इज नॉट हैविंग अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्योंकि हम जब लीगल टर्मिनोलॉजी में इस चीज को यूज करेंगे तो हम देखते हैं कि इंटेंशन क्या है डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या नहीं रॉन्गफुल गेन होता है या नहीं होता है रॉन्गफुल लॉस किसी को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये सब देखते हैं लेकिन द एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू पीपल इट माइट नॉट बी इमोरल बट इट मे बी एन ऑफेंस ऐसा भी तो हो सकता है है ना तो इसका मतलब और कोई ऐसा सटीक सा एग्जाम्पल दो कि जो है ही गलत ह्यूमन ट्रैफिकिंग गुड सो ट्रैफिकिंग ऑफ समवन ज इमोरल प्लस इट इज ऑफेंस ऑल्सो ठीक है ये एग्जाम्पल आपका सटीक है सिमिलरली मर्डर ठीक है मर्डर और रेप गुड और हरासमेंट अब हरासमेंट अपने आप में एक बहुत सब्जेक्टिव एरिया आ जाता है क्योंकि किस तरीके का हरासमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लेवरी इट माइट बी रिलेटेड विथ ट्रैफिकिंग एज वेल लेकिन अलग से भी लिख देते हैं ठीक सो so ये कुछ एक चीजें आप कह रहे हो अच्छा सर ये हैवी मॉरल है और कानून में भी अपराध है गुड ठीक मुझे कुछ एक ऐसी चीजें बताओ जो मॉरली ठीक है लेकिन कानून में अपराध है मॉरली वो ठीक है जिस मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि टू फीड अ वेरी हंगरी चाइल्ड इट इज मॉरली ओके बट इट इज स्टिल इन ऑफेंस ठीक है कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो है इमोरल ठीक है जो है इमोरल लेकिन वो क्राइम नहीं है इमोरल है पर क्राइम नहीं है एबोर्शन गुड ठीक है सो एबॉर्शन इज समथिंग विच अपियर्स टू बी इमोरल कि अच्छा बच्चा भ्रूण हत्या जो है वो नहीं करनी चाहिए या बच्चा गर्भ के अंदर है उसको नहीं गिराना चाहिए ये मॉरल्स कहते हैं लेकिन वो अपराध नहीं है क्योंकि अगर आप पूरी लीगल टर्मिनोलॉजी को फॉलो करेंगे प्रोविजंस को फॉलो करेंगे तो शायद आपको कोई पनिशमेंट ना हो और कुछ सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम साइड बाय अ रिवर एंड यू सी दैट अ पर्सन इज ड्राउनिंग यू फाइंड दैट ओके दिस पर्सन इज ड्राउनिंग यू नो स्विमिंग लेकिन आपने नहीं बताया आप फोन निकाल के लाइव हो गए के देखिए भाई साहब डूब रहे हैं वट इज दैट इज इट नॉट इट इज समथिंग इमोरल बट डू यू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस नो आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी आप लीगली बाउंड नहीं थे उसको बचाने के लिए आपने जो ऑमिशन किया है जो आपने उसको नहीं बचाया है कोई अपराध नहीं ठीक है लेकिन घर में आके आप अपने आप से सवाल जरूर पूछोगे कि मुझे बचा लेना चाहिए था राइट लेकिन ये ऐसी चीज है जो मॉरली आप गलत कर रहे थे बट स्टिल वी आर नॉट मेकिंग इट पनिशेबल अंडर लॉ अच्छा कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो ना मॉरल है ना इमोरल है मतलब नैतिकता और अनैतिकता इसके बीच में वो चीज नहीं आती लेकिन फिर भी अपराध है चाइल्ड लेबर बाल श्रम जिसको कहा जाएगा ठीक है ठीक है टू सर्टेन एक्सटेंट और इसमें कुछ देखो अच्छा आपने आप बड़े धार्मिक हो सर सपोज ठीक है मुझे नहीं पता आप लोग धार्मिक है कि नहीं लेकिन मान लेते हैं दो मिनट के लिए आपने YouTube पे शॉर्ट्स देखने शुरू किए बड़े बड़े लोगों के विद्वान लोगों के और आपने सोचा कि आज से मैं चार बजे उठूंगा आपने चार बजे उठे आपने अपने, अपने घर के बाहर एक लाउड स्पीकर लगाया और आपने जोर जोर से हनुमान चालीसा चलाई और आप चाहते हैं कि आस पड़ोस के लोग भी धार्मिक बने अब आप क्या कर रहे हो न्यूसेंस एक अलग विषय मेरा सवाल आपसे था कि क्या यह मॉरल या इमोरल की कैटेगरी में आएगा कहीं पे? नहीं ये कोई नैतिकता और अनैतिकता की बात ही नहीं है लेकिन वट यू आर डूइंग इट इज स्टिल एन ऑफेंस है ना तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो शायद मोरालिटी या इमोरालिटी के फैक्टर्स uh, पे ना भी स्टेबल हो लेकिन फिर भी वो अपराध माना जाता है तो मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको लिखवा देता हूं ठीक है राइट डाउन पहला जो आपका आप हेडिंग बनाओ पहले तो थोड़ा सा लिखवा रहा हूं फिर लिख देता हूं एग्जाम्पल्स राइट डाउन दैट मोरालिटी एंड क्राइम मोरालिटी एंड क्राइम बोथ आर नॉट ऑलवेज कनेक्टेड मॉरलिटी एंड क्राइम बोथ आर नॉट ऑलवेज कनेक्टेड हमेशा इनका कनेक्शन नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज जो इमोरल है वो ही अपराधों की ऐसा नहीं ठीक है इट इज नॉट ऑलवेज कनेक्टेड बट स्टिल बट स्टिल देयर इज अ जर्नल कनेक्शन बिटवीन देम बट स्टिल देयर इज अ जर्नल कनेक्शन बिटवीन दम It must be maybe general connection between them. Full stop. What is legal? illegal? What is illegal? Maybe, maybe. Immoral. What is illegal? Maybe immoral. But, but. It is also possible that, but it is also possible that it is also possible that such act was moral in nature such act was moral in nature such act was moral in nature so so morality and crime morality and crime may or may not morality and crime may or may not overlap each other may or may not overlap each other ठीक है so सो पहला आप एग्जाम्पल डालेंगे समथिंग विच इज मॉरल बट स्टिल इट इज अ क्राइम राइट डाउन दट इफ अ थेफ्ट इज कमिटेड इफ अ थेफ्ट इज कमिटेड फीडिंग अ पुअर चाइल्ड is कमिटेड फॉर फीडिंग अ पुअर चाइल्ड या हंगरी चाइल्ड ऐसे लिख लो theft is committed फॉर फीडिंग अ hungry चाइल्ड देन वो इस कैटेगरी में आ सकता है है तो मॉरल है लेकिन क्राइम हो सकता है क्योंकि यहां पे जब हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात करते हैं तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन अपने आप में एक बहुत इलेबोरेटिव एरिया है तो अगर आप जान पूछ के किसी को भी नुकसान करोगे एंड यू नो दैट यू आर कॉजिंग अ लॉस टू समवन तो वो अपराध बन जाता है ठीक है बेशक आपका ओरिजिनल इंटेंशन कुछ और था नेक्स्ट वन विल बी इट इज इमोरल प्लस इट इज क्राइम अच्छा आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये चीजें आप क्यों बता रहे हो ये तो बीएनएस से रिलेट नहीं कर रहा डायरेक्टली ये सवाल आ जाते हैं ठीक है दे माइड भी आस्किंग यू दैट ओके हाउ मॉरैलिटी एंड ऑफेंस आर रिलेटेड टू इच अदर यू मस्ट भी हैविंग सर्टन थॉट इन दैट एरिया कि आप लिख पाए ठीक है लिखेंगे इसमें समथिंग विच इज इमोरल प्लस इट इज क्राइम ओके सो क्रुएलिटी क्रुएलिटी करना गलत है प्लस अपराध भी है और लिख लो रेप रेप मर्डर एट्सेट्रा ठीक है मतलब जो हीनियस कैटेगरी के क्राइम्स आ गए या अदरवाइज भी जो चीजें ठीक नहीं है वो सब इस कैटेगरी में आएंगी तीसरा समथिंग विच इज समथिंग विच इज अमॉरल अमॉरल का मतलब होता है जो ना इमोरल है ना वो मॉरल है तो अमोरल वर्ड हम यूज करेंगे समथिंग विच इज अमोरल बट इट इज क्राइम समथिंग विच इज अमोरल बट इट इज क्राइम अमोरल का मतलब ना ये मॉरलिटी के अंदर जाएगा ना इमोरलिटी के अंदर तो अमोरल वर्ड से हम डिनोट करेंगे तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस अगेन आई विल से कि ये बहुत एक इलेबरेटिव एरिया है सब्जेक्टिव एरिया आ जाता है लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज जर्नल सेंस में अगर आप न्यूसेंस कर रहे हो जिससे बहुत ज्यादा किसी का नुकसान आप नहीं करने वाले हो तो वो यहां पे आ जाएगा ठीक है न्यूसेंस तो बहुत तरह की है जैसे फूड के अंदर एडल्ट्रेशन करना ये तो गलत है ये तो इमोरली चीज है लेकिन जर्नल लाउड स्पीकर लगाना ये कहां पे आ जाता है ठीक है और इसमें आप आ, अगला लिख लो जो लास्ट में आपका रहेगा दैट इज समथिंग विच इज इमोरल समथिंग विच इज इमोरल बट इट इज नॉट अ क्राइम समथिंग विच इज इमोरल क्राइम अब इसमें क्या क्या आ जाएगा एबोर्शन इन एक्टिव एथुनिशिया पैसिव एथुनेशिया वर्ड यूज करेंगे ना उसके लिए इनएक्टिव क्या होगा ठीक है so, सो पैसिव एथुनेशिया आपको गलत लगता है हा, हा ना कोई व्यक्ति जो है ही वेजिटेटिव uh, स्टेट में है सो so उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करना और उसकी मर्जी से करना ये मेरे ख्याल से गलत में नहीं आएगा लेकिन मैं यहां पे अगर कुछ एक चीजें लिखूं अब तो आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो एक तो आपने बताया क्या लिखाया था अबॉर्शन ठीक है इसी में आप लिख लो दैट इज एडल्ट्री आप एडल्ट्री को मॉरल नहीं मानते और नो एडल्ट्री अर्स टू बी मॉरल एक्ट बट इट इज नॉट अ क्राइम नॉ है कि नहीं ठीक है और कुछ कुछ जोड़ना चाहे इसमें एनी अदर थिंग नॉट सेविंग अ ड्राउनिंग पर्सन वो भी लिख लो नॉट सेविंग अ ड्राउनिंग पर्सन नॉट सेविंग अ ड्राउनिंग पर्सन तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको कैटेगराइज करने में आपको समझने में जरूरी है कि अच्छा ये दोनों चीजें हमेशा कंप्लीटली ओवरलैप कभी भी नहीं कर पाएंगी ठीक है एक छोटा सा पॉइंट लिखवा पॉइंट पे आते हैं राइट डाउन इट इज इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी दैट वट एक्ट्स आर कंसीडर टू बी वट एक्ट्स आर कंसिडर टू बी immoral what acts are considered to be immoral or whether they should be punishable or not or whether they should be punishable or not but but in the conclusion in the conclusion it is to be settled that but in conclusion, it is to be settled that crime and immorality, it is to be concluded that crime and immorality does not completely, does not completely overlap each other, does not completely overlap each other. Clear? नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा दैट इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस वट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस क्राइम एंड ऑफेंस चलिए आप लोग बताएंगे क्या डिफरेंस हो सकता है क्राइम एंड ऑफेंस अमिंदर आप बताइए क्राइम सिविल कैसे हो जाएगा ऑफेंस भी सिविल नहीं होगा एक बहुत अच्छी बात ने कही कि क्राइम जो है इट मे और मे नॉट बी पनिशेबल ठीक है मैं यहां लिख देता हूं इट मे और मे नॉट बी पनिशियबल बट ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशियबल इसमें कुछ एक चीज अगर आप जोड़ना चाहें जितने लोग ऑनलाइन बैठे आप लोग बात कर सकते हैं यू पीपल कैन रीज यूर हैंड ओवर हेयर एंड आई विल अलाउ यू पीपल यस प्रियंका वॉन्ट टू से समथिंग यस प्रियंका कुछ बोलना चाह रहे हैं क्राइम एंड ऑफेंस के अंदर डिफरेंस क्या है देखो यू पीपल आर गोइंग टू बी द फ्यूचर जजेस है ना और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सटीक चीज कानून के प्रावधानों के हिसाब से पता होनी चाहिए सो so, जब जैसे अभी श्रेया ने मुझे ये लिखवाया दैट क्राइम मे और मे नॉट बी पनिशेबल श्रेया ने ऐसा क्यों लिखवाया क्राइम मे और मे नॉट बी पनिशेबल आपने लिखवाया मैंने लिख दिया बट क्यों लिखवाया क्रिमिनल्स आप आम आदमी की भाषा में कहोगे लीगल टर्मिनोलॉजी में उसको एक्यूज या कन्विक्ट कहा जाएगा या ऑफेंडर कहा जाएगा ठीक है सो क्राइम की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं लाइक क्राइम इज द आउटर सर्कल क्राइम में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं सपोज एनी सोशल क्राइम सोशल क्राइम का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप सोशल क्राइम आउटकास्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द कास्ट सोशली आपने गलत किया उसके साथ और रिलीजियस बिलीव हर्ट करना ठीक है वो वैसे तो सिविल डिस्प्यूट में भी जा सकता है अगर कुछ एक्स, एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाए ठीक है और इसमें सोशल uh, क्राइम्स हो सकते हैं मॉरल क्राइम्स हो सकते हैं राइट right? जैसे अभी अभी हमने बात की कि इफ यू आर नॉट सेविंग अ ड्राउनिंग पर्सन तो ये मॉरली गलत है बट इसके लिए पनिशमेंट नहीं है हमारे पास अगर कभी लेजिस्लेचर्स को लगा कि इसके लिए भी पनिशमेंट बनानी चाहिए तो यू कैन मेक इट कि सपोज इफ अ पर्सन इज ड्राउनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड द लॉ मेक्स इट पनिशेबल दैट इफ यू डोंट सेव हेम यू आर लाइबल तो हर व्यक्ति जान बचाएगा वो वीडियो नहीं बनाएगा वहां पे, राइट और नो ठीक है और ये हो सकता है एक ऐसा विषय जिसपे कानून बनना चाहिए बट लीगल क्राइम इज समथिंग विच विच इज टू बी टेकन इन द इनर सर्कल और जो भी चीज लीगली गलत है यही चीज क्या मानी जाएगी ऑफेंस मानी जाएगी समथिंग विच इज लीगली पनिशेबल इट विल बी कंसिडर टू बी एज एन ऑफेंस टू बी मोर स्पेसिफिक एन एट आप आईपीसी में भारतीय न्याय संहिता में सॉरी ऑफेंस की परिभाषा निकालिए जितने लोगों के पास बेअर एक्ट निकालो जरा जस्ट टेक इट आउट ऑफेंस की डेफिनेशन निकाल निकाला किस प्रोविजन में है टू क्लॉज ट्वेंटी फोर और जब तक आप अब बीएनएस की क्लासेस चल रही हैं तो साथ साथ ना या आपका जो क्रिमिनल लॉ है बीएनएसएस उसको भी लेके आएंगे ठीक है सेक्शन देखो इन टू क्लॉज ट्वेंटी फोर ऑफ द भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में परिभाषा होती थी सेक्शन नंबर चालीस के अंदर ठीक है अब टू क्लॉस ट्वेंटी फोर में है क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से पढ़े तो लिखा है एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन इन क्लॉज नंबर ए एंड बी इसके आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द वर्ड ऑफेंस मींस द थिंग्स मेड पनिशियबल बाय दिस संहिता थिंग्स मेड पनिशियबल बाय दिस संहिता इसका मतलब बीएनएस की रेफरेंस में सिर्फ वही चीज अपराध है जो बीएनएस के अंदर पनिशियबल है दोबारा से कहूंगा बीएनएस की रेफरेंस में वही चीज अपराध है जो बीएनएस में पनिशियबल है अगर कोई भी चीज बीएनएस में पनिशियबल नहीं है वो बीएनएस के लिए अपराध नहीं है बात समझ रहे हैं एनीथिंग इज अंडर दिस संहिता दैट इज एन ऑफेंस समथिंग इज नॉट मेड बाय दिस संहिता वो बीएनएस में अपराध नहीं माना जाता किसी और दूसरे लॉ में वो चीज ऑफेंस हो सकती है बट बीएनएस में नहीं है तो अगर आपने पूरा डेफिनेशन समझा हो तो इसमें हम ऑफेंस की जब कैटेगराइजेशन करते हैं तो आपने अभी अभी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर टू क्लॉज 24 याद रखना हमेशा यह ऐसा प्रावधान है जो बार बार पूछा जाता है तो टू क्लॉज 24 में क्या कहा कहा जाएगा एनीथिंग विच इज पनिशियबल अंडर दिस लॉ इज एन ऑफेंस ये कहा जाएगा so हम लिख देते हैं एनीथिंग लिख लो आप लोग है ना एनीथिंग विच इज एनीथिंग विच इज पनिशियबल अंडर bns anything which is punishable under bns is is considered to be is considered to be as an offence is considered to be as an offence under bns is considered to be as an offence under bns but any act which is but any act which is not punishable any act which is not punishable under bns any act which is not punishable under bns is not considered to be is not considered to be an offence is not considered to be ऑफेंस अंडर बी एन एस अंडर बी एन एस ठीक है इसके साथ साथ आपने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी ऑफेंस की भारतीय न्याय संहिता में क्या सिमिलरली हमारे बीएनएसएस के अंदर भी ऑफेंस की एक डेफिनेशन आपको मिलेगी ठीक है उसको देखते हैं क्या है देखो सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर क्यू ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन टू क्लॉज नंबर क्यू ध्यान से पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है ऑफेंस की डेफिनेशन है अगेन अ डेफिनेशन कह रही है ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ यहां पे वर्ड क्या यूज किया जा रहा है एनी लॉ वहां पे क्या यूज कर रहे थे सिर्फ संहिता वर्ड यूज किया गया यहां पे क्या करें एनी लॉ एनी एक्ट और मेड बाय एनी लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ विच मेड अंडर सेक्शन ट्वेंटी कौन सी डेफिनेशन ज्यादा वाइडर है ये वाली बीएनएसएस की क्योंकि बीएनएसएस की डेफिनेशन में सभी चीजें जो किसी भी कानून के अंदर पनिशियबल हैं वो सब अपराध मानी जा रही हैं राइट एनी थिंग मेड पनिशेबल अंडर एनी लॉ तो आपने जस्टो दो डेफिनेशन पढ़ी यहां पे बीएनएसएस की पढ़ी सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर क्यू के अंदर और यहां पे वर्ड क्या यूज किया जा रहा है एनी लॉ ये वर्ड यूज किया गया नाउ इट इट क्लियरली मीन्स कि अगर बीएनएसएस की डेफिनेशन ये है तो बीएनएस की डेफिनेशन इसके एक इनर सर्कल में रहेगी ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कारण क्या है कि बीएनएसएस के अंदर हर चीज अपराध है जो पनिशेबल किसी भी कानून में हो तो इसका मतलब भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो चीजें पनिशेबल हैं वो बीएनएसएस के अंदर भी पनिशेबल मानी जाएंगी इसी के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट है आपका एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट उसके अंदर जो भी चीज पनिशेबल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लिए भी वो पनिशेबल मानी जाएगी क्योंकि ये कहता है किसी भी कानून के अंदर कोई भी चीज पनिशेबल हो बीएनएसएस के अंदर वो ऑफेंस माना जाएगा लेकिन भारतीय न्याय संहिता की डेफिनेशन कहती है कि जो चीज यहां पर पनिशेबल है वो ऑफेंस है बाकी हमसे हमें किसी और से कोई मतलब नहीं ठीक ठीक है वापिस आ जाओ तो जब डेफिनेशन आपने देखी तो एक चीज और आपकी क्लियर होगी कि अच्छा क्राइम में बहुत कुछ आ सकता है जरूरी नहीं है हर चीज पनिशेबल हो क्राइम में भी सोशल क्राइम लीगल क्राइम मॉरल क्राइम कुछ भी चलेगा लेकिन जो भी लीगल क्राइम होगा वो ऑफेंस की कैटेगराइजेशन में चला जाएगा और ऑफेंस की डेफिनेशन आपको बताती है कि ऑफेंस किसे माना जाएगा कोई चीज जो जो पनिशेबल नहीं है वो अपराध नहीं हो सकता बात समझ रहे समथिंग विच इज नॉट पनिशेबल अंडर बीएनएस इट विल नॉट बी कंसिडर टू बी एज एन ऑफेंस इतना समझ में आ रहा है एक लाइन लिखो फिर एक एग्जाम्पल देता हूं राइट डाउन दट क्राइम इज अ जर्नल टर्म क्राइम इज अ जर्नल टर्म विच मे बी विच मे बी अ सोशल क्राइम मॉरल क्राइम लीगल क्राइम एटसेट्रा एटसेट्रा फुल स्टॉप दोज crimes which are those crimes which are socially or morally wrong those crimes which are socially or morally wrong those crimes which are socially or morally wrong may not be punishable may not be punishable under any law may not be punishable under any law but but may not be punishable under any law but something but something which is something which is legally something which is legally considered to be legally considered to be an offense something which is legally considered to be एंड ऑफेंस कॉमा दट एक्ट मस्ट भी दट एक्ट मस्ट बी पनिशेबल अंडर लॉ दट एक्ट मस्ट बी पनिशेबल अंडर लॉ फुलटॉप फॉर लीगल क्राइम्स फॉर लीगल क्राइम्स देर इज भारतीय न्याय संहिता फॉर लीगल क्राइम्स देर इज भारतीय न्याय संहिता एंड अदर स्टैट्यूटरी लॉज फॉर लीगल क्राइम्स देर इज भारतीय न्याय संहिता एंड अदर स्टैट्यूटरी लॉज फुल स्टॉप अब इसके बाद ऑफेंस के ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं हमने एक चीज बड़े अच्छे से देख ली कि अच्छा भारतीय न्याय संहिता कहता है समथिंग विच इज पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता दैट इज एन ऑफेंस अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सपोज हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करेंगे मर्डर की बात करेंगे किडनैपिंग की बात करेंगे हर्ट uh, की बात करेंगे ट्रैफिकिंग की बात करेंगे हर चीज पनिशेबल अगर है तो वो अपराध है राइट right? लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो डिफाइंड तो है लेकिन वो ऑफेंस नहीं है देर इज समथिंग विच इज डिफाइंड अंडर भारतीय न्याय संहिता बट विच इज नॉट टू बी कॉल्ड एज एन ऑफेंस पर से इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पनिशमेंट नहीं होगी क्योंकि जो चीज पनिशेबल नहीं है वो अपराध नहीं है।, है ना तो हमारे पास एबडक्शन एबडक्शन इकलौता एक ऐसा एक्ट है जो अपने आप में ऑफेंस नहीं माना जाता एबडक्शन का मतलब क्या है

मिसलीडिंग स्टेटमेंट देने से आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो ये अबडक्शन है लेकिन ये पनिशेबल नहीं है यू कैन नॉट मेक मी मेकबल फॉर एनीथिंग क्या आप कहोगे सर को हम अंदर करवा नहीं करवा सकते बट इफ ड्रैग्स वन वन पर्सन फ्रॉम प्लेस टू अनदर सीट के कोई व्यक्ति एक दूसरे एक को ले गया तो ये क्या है आपने उसको कन्फाइन किया थोड़ी समय के लिए फिर आप उसको लेके जा रहे हो ये पनिशेबल कैटेगरी का होगा आपने अबडक्शन किया साथ में कोई मर्डर कर दिया रॉन्गफुली कन्फाइन किया इलिसिट इंटरकोर्स के लिए एबडक्शन के ये पनिशेबल कैटेगरी के एबडक्शन है लेकिन एबडक्शन का एक क्राइटेरिया ऐसा भी है जो पनिशेबल नहीं होता तो कभी आपको सवाल आ जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो पर से अपने आप में अपराध नहीं होता वो एबडक्शन है जो डिफाइंड तो है लेकिन पनिशेबल नहीं है डिफाइंड तो है बट पनिशेबल नहीं है थोड़ा सा लिखेंगे राइट डाउन दैट द वर्ड ऑफेंस द वर्ड ऑफेंस यूज इन भारतीय न्याय संहिता द वर्ड ऑफेंस यूज इन भारतीय न्याय संहिता इज डिफाइंड अंडर सेक्शन कौन सा प्रोविजन है टू क्लॉज 24 is defined under section 2 clause 24 where it is stated that where it is stated that Anything which is punishable, anything which is punishable under BNS, anything which is punishable under BNS will be, will be considered, will be considered as an offense. Which will be considered as an offense. So, it impliedly means that, so it impliedly means that something which is not punishable, it impliedly means that something which is not punishable, something which is not punishable, in BNS, something which is not punishable in BNS.

डिफाइंड अंडर सेक्शन 138 थर्टी एट ऑफ बी एन एस निकालो जरा एक मिनट अगर बी एर एक्ट है तो निकाल लो देखो 138 के अंदर जो डेफिनेशन है अगर आप उसको ध्यान से समझे लिखा है ना हुए डिसीडफुल मींस इंड्यूज एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस तो यहां पे दो चीजें होती हैं या तो डिसीडफुल मींस से आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो या बाय फोर्स कर रहे हो अगर तो बाय फोर्स कर रहे हो तो, तो, तो ये ऑफेंस माना ही जाएगा और पनिशेबल भी है लेकिन अगर डिसीडफुल मीन्स के थ्रू अगर आपने ऐसा किया है तो वो अपने आप में अपराध नहीं बनता डिफाइन जरूर है लेकिन अगर आप देखें तो जो आगे इसकी पनिशमेंट्स आपको मिलेंगे ना कहीं पे भी केवल एबडक्शन करने का पनिशमेंट नहीं मिलेगा कि जैसे मैंने अभी इसको एक एग्जांपल दिया तो अगर मैंने ये किया है तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी लेकिन इसके साथ अगर कुछ और पनिशेबल चीजें जुड़ती हैं देन इट विल बी पनिशेबल तो इसीलिए हम कहते हैं एबडक्शन पर से इज नॉट पनिशेबल बात समझ रहे हैं ना लिखते जाएंगे दैट एबडक्शन कुछ लिखा तो नहीं अभी ऑफेंस ऑफ एबडक्शन इन सेक्शन वन थर्टी एट बस इज नॉट हा ठीक है ऑफ बी एन एस इज लिखते जाएंगे इज नॉट पर से इज नॉट पर से पी ई आर एस ई इज नॉट पर से एन ऑफेंस इज नॉट पर से एन ऑफेंस बिकॉज बिकॉज Mere abduction is not punishable because mere abduction is not punishable unless and until unless and until the abduction unless and until the abduction falls under unless and until the abduction falls under. पनिशिएबल कैटेगरी अनलेस एंड अंटिल दबडक्शन फॉल्स अंडर दनिशियबल कैटेगरी पनिशेबल कैटेगरी का मतलब आगे कुछ एक चीजें एक्स्ट्रा अगर साथ में मिलती है तो यह पनिशेबल होता है नहीं तो नहीं होता है ठीक है तो एक कॉन्टिन्यूइंग नेचर का अपराध है कि कब यह पनिशेबल कैटेगरी में आएगा या आप इमिडिएटली नहीं बोल सकते ठीक है और इसी के नीचे लिखेंगे दट द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस the definition of offence the definition of offence is also given the definition of offences also given in section 2 clause q of b n s s 2 clause number q q for queen hai bNs b n s s where it is stated that where it is stated that Offence is anything. offense is anything which is punishable under any law. Offense is anything which is punishable under any law under any law. So, so. the definition of the offense, so, the definition of the offense. Given in BNSS, the definition of the offense given in BNSS is more broader, yeah, more wider. The definition of the offense given in BNSS is more wider, is more wider than the definition of offense in BNS. Is more wider than the definition of the ऑफेंस इन बी एन एस क्लियर लास्ट पॉइंट फॉर टुडे दट वट इज द डिफरेंस बिट्वीन कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी वट इज द डिफरेंस बिट्वीन कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी क्या अंतर हो सकता है नहीं ऐसा नहीं हम्म ठीक कुछ इसमें जोड़ना चाहो आप एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस देखो आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है ठीक है लाइक सपोज देर इज अ पर्सन एक्स अगेंस्ट हिम द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट हैज बीन रजिस्टर्ड अब पूरा ट्रायल चलेगा ट्रायल के दौरान वट द प्रोसिक्यूशन विल ट्राई टू प्रूव इन द कोर्ट दैट दिस पर्सन कमिटेड ऑफ सो एंड सो कैटेगरी एंड वट दूस विल ट्राई टू प्रूव दैट ही हैड नॉट कमिटेड ऑफेंस यही होगा ना कि प्रोसिक्यूशन बताएगा कि सर इसने अपराध किया है डिफेंस कहेगा जी मैंने नहीं किया है नाउ आफ्टर द होल ट्रायल द मोमेंट द जजमेंट इज पास द कोर्ट सेज दैट नो यू हैड कमिटेड ऑफेंस एंड हेंस वी आर गोइंग टू कन्विक्ट यू तो कन्विक्शन अगर होता है तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने अपराध किया है और यह कल्पेबल है इसको सजा मिलनी चाहिए कल्पेबल का मतलब क्या है सजा मिलनी चाहिए इसने अपराध किया है अब अगला सवाल आता है कि सजा कितनी मिलनी चाहिए वट शुड बी द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू वट एक्सटेंट ही शुड बी पनिशेबल एक महीने की सजा दोगे एक साल की दोगे तीन साल की दोगे कितनी दोगे तो लाइबिलिटी डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ तो फैक्टर्स अब एक व्यक्ति ने गुस्से में आके अटैक किया एक व्यक्ति ने जान पूछ के मारा एक व्यक्ति ने आयरन रॉड से हिट किया एक व्यक्ति ने नाइफ स्टैपिंग करी हर व्यक्ति का कैटेगरी अलग होगा अब आपने जैसे आप पढ़ते आप पढ़ते आए हो लोगों ने आईपीसी पढ़ा ही हुआ है तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा होता पर्सन कैन बी विद द अप टू थ्री इयर्स और फाइन और बोथ टू थ्री इयर्स अब आपको जब अप टू थ्री इयर्स तक की कैटेगरी दे दी तो आप एक महीना भी दे सकते हो एक साल भी दे सकते हो तीन साल भी दे सकते हो डेढ़ साल तो आपके ऊपर है ठीक है अब सेम अगर मान लीजिए दो लोगों ने ऑफेंस किया है दोनों ने थिफ्ट किया जरूरी है है जरूरी कि दोनों को सेम पनिशमेंट होगा कोई ऐसी जरूरी नहीं है परिस्थितियों के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना पनिशमेंट होना चाहिए ग्रेविटी के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है कि कितने दिनों को तक व्यक्ति को जेल में रखना चाहिए सो द पॉइंट ऑफ कन्विक्शन इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पेबिलिटी किसने अपराध किया है ये कल्पेबल है इसका जो ऑफेंस करने का इसका मेंटल स्टेट था कल्पेबल मेंटल स्टेट जिसको हम कहते हैं लेकिन लाइबिलिटी मींस क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी सजा देनी है ठीक है तो लिख लेंगे थोड़ा सा दैट कल्पेबिलिटी मींस कल्पेबिलिटी मींस पनिशेबिलिटी मतलब पनिश करना है या नहीं करना है कल्पेबिलिटी मीन्स पनिशेबिलिटी एंड लाइबिलिटी मीन्स culpability means punishability and liability means the quantum of punishment liability means the quantum of punishment full stop whether full stop whether an act done by the accused whether an act done by the accused is declared to be punishable is declared to be punishable and whether the person should be convicted whether the person should be convicted comma it all relates with it all relates with culpability it all relates with culpability however once however once a person is find culpable however once a person is find culpable then another question arises then another question arises that what should be another question arises that what should be the quantum of the punishment? What should be the quantum of the punishment? What should be the quantum of the punishment? And that is related with that is related with the concept that is related with the concept that to what extent.

ज स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे मैंने लिखवाया नहीं था कुछ तो एक छोटा सा पैराग्राफ इस पर दे रहा हूं स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन राइट डाउन अ स्मॉल पैराग्राफ दैट इट इज द सोसाइटी इट इज द सोसाइटी विच कीप ऑन changing it is a society which keep on changing and and principles which are which are not acceptable to the society principles which are not acceptable to the society are not acceptable to the society are considered to be against the society are considered to be against the society considered to be against the society so so they are declared as an offense they are declared as offenses so they are declared as offenses and with every and with every change in the society with every change in the society with the passage of time every change in the society with the passage of time and with the change in the place and with the change in the place the the mentality and adaptability mentality and adaptability keep on changing mentality and adaptability will keep on changing so will keep on changing so it is possible that so it is possible that something which is not acceptable something which is not acceptable to the society today it is possible that something which is not acceptable to the society today it may be acceptable tomorrow it may be acceptable tomorrow so it is a dynamic process it is a dynamic process and and the criminal substantive laws criminal substantive laws are subject to criminal substantive laws are subject to these changes in the society are subject to these changes in the society. Clear? तो ये समय के हिसाब से बदलती रहेंगी परिस्थितियां जगह के हिसाब से बदलती रहेंगी एडल्ट्री अगर हमारे यहाँ पे आज अपराध नहीं है तो विदेशों में तो पहले से ही नहीं था तो ये चीज़ कीप ऑन चेंजिंग वाली प्रोसेस में रहती है तो जो आज एक्सेप्टेबल है शायद कल को ना हो या जो आज एक्सेप्टेबल नहीं है वो शायद कल को हो जाए सो ये चीज़ें एमर्ज करती रहेंगी इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म मैंने आपको दिया दैट इज स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन वेरिएशन का मतलब बदलाव स्पेशियो का मतलब स्पेस है ना जगह के हिसाब से समय के हिसाब से ठीक है बदलती रहती है चीजें ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे so इसको यहीं रोकते हैं uh, मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा दैट इज द टेरिटोरियल एक्सटेंशंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो और uh, इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि अच्छा भारतीय न्याय संहिता पूरे इंडिया में लागू होती है इट इज़ नॉट द ओनली थिंग इसमें तीन कॉन्सेप्ट हमें समझने होते हैं वन इज द इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन एंड इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द बोथ ठीक है तो वो हम जो है कल के सेशन में करेंगे ठीक है दैट सॉल्व फॉर टू डे किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकता है एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कोई सवाल किसी भी चीज को लेके जो आपने हाथ समझा यस इज इट क्लियर एवरी वन यस अमन अमन नेगी अमन सनयाल तो बच्चे का नाम ही मुझे पढ़ना नहीं आ रहा नाम ही बड़ा डिफिकल्ट है। ओके okay. okay. चलो आज तो फर्स्ट सेशन था तो आई डोंट थिंक देर विल बी लॉट ऑफ डाउट्स ठीक है हर्षा मनीषा हिमांशी ये समन yes, 15 each, like uh, 150 questions will be there, 15 civil law 1, 15 civil law 2, and 15 criminal law. and so sure the english and the hindi papers that they are in the main, they are not counted in the merit. no, uh, the, the exams of hindi and english, uh, they are to be considered in for making the merit as well. Okay, merit, you count karenge. but uh, the qualifying marks will be different. for hindi, it is 33 uh, marks uh, from 100.

ठीक आप लोग ब्रेक ले सकते हैं कैन लीव सर आगे हैं देखना अतुल अंकुश सर आ गए चेक कर लो